Hey guys, this सिंह एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी Crack UPSC सी हिंदी और आप सभी का स्वागत है गुड मॉर्निंग टू एवरी वन क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे इस टाइम पर बहुत ही मुश्किल है ठीक है तो घर पर रहकर पढ़ाई कीजिए और हम हमारे हम तुम्हारे साथ में हैं चलिए तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार मुझे बता दीजिए कि आवाज़ सभी को सही आ रही है या फिर नहीं आ रही है देखिए इस सेशन में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री तीन दिन करेंगे ये क्लास हमारी मैराथन क्लास होने वाली है हम लोग तीन घंटे की क्लास करेंगे ठीक है मेरा टारगेट ये है कि आपको पूरी हिस्ट्री यानी कि एनशियंट मीडिएबल और आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरी मैं एक महीने के अंतर्गत करवा दूं इसीलिए मुझे मैराथन लेना पड़ेगा तीन तीन घंटे की मैराथन मुझे लेनी पड़ेगी ठीक है तो हम लोग बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए दोनों के साथ दोनों चीज़ों को हम लोग साथ साथ में लेकर चलेंगे ठीक है तो यहाँ से क्वेश्चन आउट होने की संभावना बहुत कम है जैसे ही हम लोग चैप्टर करेंगे चैप्टर करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे क्या वाकई में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन हमारे बन पा रहे हैं या फिर नहीं बन पा रहे हैं या फिर हम लोगों ने जो कंटेंट पढ़ा है उसमें से हमारे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं ठीक है ना तो टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है पहले कंटेंट को पढ़ो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो अगर बन रहे हैं क्वेश्चन तो कंटेंट आपका अच्छा है तो बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास बहुत ही बेसिक है बहुत ही जीरो लेवल की है जो भी बच्चा आज से स्टार्ट करेगा ना तो उसको मैं जीरो से बिल्कुल हीरो तक ले जाऊंगा ठीक है ना चलिए बस मेरे साथ में रहना एक भी लेक्चर मिस मत करना प्ले आपकी बनी हुई है बन जाएगी पूरी प्ले आपकी और तीन दिन हमारा एंशियंट तीन दिन हमारा मॉडर्न और तीन दिन हमारा मीडियबल चलेगा ठीक है चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आप सभी लोग जानते हैं अन अकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे टीचरों के साथ एंगेज होने का मौका मिलेगा यहाँ पर आपके पास दो प्लेटफॉर्म है प्लस और आइकॉनिक यहाँ पर आइकॉनिक और प्लस है आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी जैसे पर्सनल गाइडेंस स्टडी प्लानर टेस्ट एनालिसिस स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट गाइडलाइन ये सभी चीजें मिलेंगी और इंडिया के जितने भी बड़े टॉप एजुकेटर हैं इन सभी टॉप एजुकेटर को आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर फोर इन वन ऑफर आपके लिए अवेलेबल है आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे जिसकी कीमत दस हजार रुपये है मेघा सब्सक्रिप्शन ऑफर मिलेगा आपको और आपको लोन की फैसिलिटीज भी है दस परसेंट का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा आपको बी एस लाइव कोड का यूज करना है यहाँ पर मैंने कोड नहीं डाला है एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि मेरा कोड क्या है बी एस लाइव ठीक है ना यहाँ पर आ, आपके लिए एक्सटेंड वन ईयर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है आइकॉनिक कॉम्बो और ऑप्शनल कोर्स के लिए यहाँ पर प्लस है प्लस की फीस एक साल की दो साल की और तीन साल की आप देख सकते हैं चौसठ हजार आठ सौ इक्यासी हजार यहां पर भी आप बी एस लाइफ कोड का यूज कर सकते हैं इसके अलावा आइकॉनिक की जो फीस है वो एक लाख चार हजार एक सौ पचहत्तर और दो सा, तीन साल की है सॉरी हाँ तीन साल की है एक लाख अड़तीस हजार तीन सौ पचहत्तर तो आप ले सकते हैं क्या कोड है मेरा एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो उसी कोड का आपको यूज करना है ठीक है चलिए यहाँ पर आपके पास कॉम्बो पैक है प्लस आइकॉनिक या फिर प्लस uh, प्लस uh, ठीक है ना जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं यहां पर भी एक साल दो साल और तीन साल का कोर्स अवेलेबल है तो उसको आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको अच्छा लगता है वैसा आप रख सकते हैं यहां भी आप बी एस लाइफ कोड का यूज कर सकते हैं पांच मई से आपका कोर्स स्टार्ट होने वाला है आप टारगेट कोई सा भी हो एक साल का हो दो साल का हो या फिर आपका एनसीआर आप को कर सकते हैं बी एस लाइव कोर्ट का यूज करते हुए चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो ठीक है और यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है एक मई से स्टार्ट हो चुकी है फाइव पॉइंट जीरो राइस अन अकेडमी पाथ फाइंडर वर्ल्ड अफेयर यूपीएससी ठीक है ना आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री और यहाँ पर आपको इसको अनलॉक करने के लिए बी एस लाइफ कोड का यूज करना है बी एस लाइफ कोड कभी भी ना भूझे भूलें ये अन अकेडमी कॉम्बेट समय समय पर होता रहता है ठीक है ना यहाँ पर आपको अलग अलग प्राइज भी दिए जाते हैं ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है चलिए आज का सेशन हमारा अब बिल्कुल स्टार्ट होने ही वाला है जितने भी नए स्टूडेंट हैं आते जाए जुड़ते जाए और इस सेशन को चलिए आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए हम लोग बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से मतलब आप समझ देखो मैं यहाँ पर आपको पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ हालांकि अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सी एस हिंदी पर हमारी जो क्लास है वो चार पांच महीने से नहीं हुई है क्योंकि मैं पेड कोर्स में और स्पेशल क्लास में बिजी था अब फिर से हम लोग अन पर आए हुए हैं आप अन अकेडमी सिंह के नाम से आप youtube पर सर्च कर सकते हैं आपको एंशियंट मेडिएबल आर्ट एंड कल्चर वर्ल्ड हिस्ट्री और पॉलिटी ज्योग्राफी सब कुछ आपको मिल जाएगी ठीक है ना और कंप्लीट सिलेबस अपना होगा चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से तो देखिए हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे देखो इतिहास इतिहास का मतलब क्या होता है यानी कि हम लोग वर्तमान समय में हम लोग वर्तमान समय में अतीत का अध्ययन कर रहे हैं अतीत का मतलब जो बीता हुआ है उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं इसी को हम लोग इतिहास बोलते हैं अब टेक्निकल भाषा में हम लोग नहीं जाएंगे बहुत सारे इतिहासकार हैं उन्होंने अपने अपने, अपने भाषा में जो है अपने अपने, अपने परिभाषा में अलग अलग इतिहास की परिभाषा लिखी है लेकिन इतिहास की परिभाषा कोई आपसे पूछेगा नहीं मैंने जो आपको बताई है वर्तमान समय में अगर हम लोग अतीत का अध्ययन कर रहे हैं इसी को हम लोग इतिहास बोलते हैं अब इतिहास को हम लोग पढ़ते क्यों हैं ये बात समझिए इतिहास को पढ़ने का मतलब ये है कि इतिहास में हुई घटनाएं हैं इन घटनाओं से हमें वर्तमान समय में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं देखो आपके पास समय बहुत कम है सौ साल तो आप जियोगे नहीं जिंदगी बहुत छोटी है साठ साल अब तो ऐसी महामारियां आ रही हैं कि भाई अब तो जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है तो भैया ऐसा है कि एक्सपीरियंस खुद का लोगे तो टाइम बहुत कम पड़ जाएगा इसीलिए आप इतिहा, इतिहास ऐतिहासिक घटना से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं ठीक है इसलिए हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं मतलब कोई सेंस नहीं है उन सब चीजों का तो इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं जिससे कि प्राचीन काल में जो घटनाएं घटी हैं अतीत काल में जो घटनाएं घटी हैं उन सब का अध्ययन करके वर्तमान समय में हम लोग अपने डिसीजन ले सके ठीक है ये सभी बातें हैं आप सभी को आवाज ठीक आ रही है ना आप सभी को आवाज ठीक आ रही है ना एक बार मुझे आवाज कंफर्मेशन दीजिए जिससे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे चलिए तो ये तो आपने सीख लिया कि इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं इतिहास होता क्या है अब आप समझिए हम लोग बात कर रहे हैं इतिहास को जानने के स्रोत हम लोग इतिहास को किस प्रकार से जानते हैं कैसे जानते हैं क्या भगवान हमें आकर इतिहास बताता है कि गुप्त काल ने यह किया चोल काल ने यह किया मुगल काल ने यह किया ऐसा तो नहीं है ना कुछ स्रोत होंगे और इन स्रोत के माध्यम से ही हम लोग अपने इतिहास को समझते हैं अभी मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से स्रोत हैं इन स्रोत के माध्यम से हम लोग इतिहास को समझते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा एक भी लेक्चर आपको छोड़ना नहीं है तीन घंटे की क्लास रहेगी और मेरा वादा इस बात का है कि पूरी हिस्ट्री आपको मैं करवाऊंगा एनशियट मीडियबल आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में सबसे बाद में करवाऊंगा मैं आपको एनशियंट मीडियबल और आधुनिक भारत का इतिहास जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद मुझसे बात करना कि सर इसमें से क्वेश्चन नहीं है डायरेक्टली नहीं आएंगे इनडायरेक्टली जरूर आएंगे पढ़ना आपको पड़ेगा वादा कीजिए कि आप पढ़ोगे रिवीजन करना बहुत जरूरी है वरना एक बार लेक्चर आपने लेटे लेटे देख लिया यूट्यूब पर तो कोई सेंस नहीं है उन सब चीज़ों का रिवीजन करना बहुत जरूरी है रिवीजन प्रैक्टिस रिवीजन प्रैक्टिस रिवीजन और प्रैक्टिस ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे स्रोत के कौन कौन से स्रोत हैं इन स्रोतों के माध्यम से हम लोग इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमारे आते हैं पुरातात्विक स्रोत अब ये पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सी चीजें आती हैं तो आप जानते हैं अभिलेख आते हैं स्मारक आते हैं सिक्के आते हैं हमारे मूर्तियां आती हैं चित्रकला आती है और मोहरे आती तो इन सभी के माध्यम से हम लोग अपने इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा इतिहास किस प्रकार का रहा होगा क्योंकि देखो ऐसा है कि अभिलेख में बहुत सारे राजा होंगे वो अपने आदेश देंगे कि भाई ऐसा करना है ऐसा करना है वैसा करना है ठीक है ना प्रशासनिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी मिलेगी ठीक है तो इसी प्रकार से अभिलेख स्मारक सिक्के मूर्ति कला चित्रकला और मोहरों के माध्यम से हम लोग अपने इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं ये हो गया आपका पुरातात्विक स्रोत। मैं आपको कोई सा भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको स्रोतों के बारे में बताऊंगा कि इस स्रोत के माध्यम से <coughs> सॉरी इस स्रोत के माध्यम से हम लोग इस वंश के बारे में जानकारी लेते हैं ठीक है ना तो यही हमारा रहेगा इसके बाद हम लोग साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं साहित्यिक स्रोत को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं कौन कौन से एक तो होता है आपका धार्मिक और एक होता है आपका क्या गैर धार्मिक धार्मिक में मतलब वेद पुराण ये सभी चीजें आ जाएंगी इसके अलावा गैर धार्मिक में जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य है ना मैगस्तनीज की इंडिका सॉरी मैगस्तनीज की इंडिका नहीं ये तो विदेशी विपणों में पहुंच जाएगा ठीक है तो गैर धार्मिक में जैसे अर्थशास्त्र की हम लोग बात करें मुद्रा राक्षस शूद्रक के द्वारा लिखी गई है जिसमें मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है इसके अलावा कुछ विदेशी विवरण भी होते हैं जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है चलिए तो हम लोग अब बात करते हैं बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से चलिए तो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि इतिहास क्या है इतिहास की प्रासंगिकता क्या है इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं और ठीक है चलिए तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं चलिए। ये तो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई दी हैं वैसे भी एक बार आप स्लाइड में पढ़ लेना और भूपेंद्र सिंह धनकर के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है वहां से आपको जो है सारी चीजें मिल जाएंगी तो सबसे पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोत पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हम लोग अभिलेख की बात करेंगे तो कौन कौन से अभिलेख मिले हैं कहां कहां से मिले हैं और किस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो ये जो अभिलेख हैं अधिकांशतः हमें पाषाण शिलाओं स्तंभों ताम्र पत्रों दीवारों और प्रतिमाओं पर प्रतिमाओं पर जो है उत्कीर्णित है आप देख सकते हैं किस प्रकार से पत्थर पर जो है यहां पर लिखा गया है हम लोग इस लिखी हुई शैली से हमारे इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं इसी प्रकार से अनेक राजा हुए हैं इन राजाओं ने समय समय पर अपने अभिलेख उत्कीर्णित करवाए हैं और अपने प्रशासनिक आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी दी है ठीक है इसी प्रकार से हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं जिसे आ... <laughs> आज थोड़ी सी तबियत खराब है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना ठीक है ना तो सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया में हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है ये बोगज कोई से प्राप्त हुआ है अब इस अभिलेख में हमें वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता आप जानते हैं ना ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल तो वैदिक सभ्यता के जो देवता थे उनकी उनकी जानकारी हमें मिलती है जैसे कि हम लोग बात करें मित्र वरुण इंद्र नातस्य नासत्य इन सब के बारे में जानकारी मिलती है तो आप समझिए ये मध्य एशिया में जो बोगज कोई अभिलेख मिला है इसके माध्यम से हमें वैदिक काल का इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है ठीक है इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे एक है आपका अशोक का स्तंभ अशोक के स्तंभ से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है अशोक ने अपने समय पर बहुत सारे अभिलेख का निर्माण किया अशोक ने अपने समय पर बहुत सारे अभिलेख का निर्माण किया ठीक है ना अशोक के शासन काल की हम लोग बात करते हैं तो लगभग वो ईसा पूर्व का काल है। है ना और अशोक के समय के इतिहास को जानने का प्रयास किया तो इन अभिलेखों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक का प्रशासन किस प्रकार का रहा होगा ठीक है तो इसी प्रकार से मैं बात करता हूं कि अभिलेख काफी महत्वपूर्ण होते हैं इतिहास को जानने के लिए अब अशोक के अभिलेख हैं वो कई भाषा में हमें देखने को मिले हैं जैसे कि ब्राह्मी भाषा खरोष्ठी भाषा यूनानी भाषा आर्माइक लिपि आप जानते हैं अशोक का शासन काल है वो बहुत ही बड़ा था जैसे कि मान लीजिए उत्तर से लेकर दक्षिण पश्चिम से लेकर पूर्व ठीक है म्यांमार तक फैला हुआ था वहां पर आपकी ईरान से सीमा मिलती थी उत्तर की हम लोग बात करते हैं तो भाई चीन से हमारी सीमा मिलती थी दक्षिण में आप जानते ही हैं सबसे अधिक विस्तार अशोक के समय पर हुआ तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषी विभिन्न धार्मिक प्रकार के लोग रहते होंगे तो इन सभी को समझाने के लिए अनेक भाषाओं में इन्होंने जो है क्या किया अपने अभिलेखों को लिखवाया इसीलिए ब्राह्मी खरो यूनानी आर्मैंक हर प्रकार के अभिलेख अशोक के समय पर हमें देखने को मिलते हैं ठीक है इसी में से कुछ अभिलेख हैं जैसे कि मांस की अभिलेख गुर्जरा अभिलेख आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि जो गुर्जरा अभिलेख है वो कहां पर मिलता है है ना गुर्जरा अभिलेख निटुर अभिलेख उदयगोलम अभिलेख इन सभी अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है और अन्य अभिलेख जो आपको मिले हैं इनके अलावा मास्की गुर्जरा निटुर उदगे इन अभिलेखों के इन अभिलेखों के अलावा जो भी अभिलेख मिले हैं उनमें अशोक का नाम जो है देवनाम पीएदस्सी के नाम से लिखा गया है देवनाम पीएदस्सी का मतलब ये होता है देवों का प्यारा अब ये देव नाम पीए से हमें मालूम चलता है कि अशोक कहीं ना कहीं हिंदू धार्मिक गतिविधियों से या फिर हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था हालांकि अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था वो बात अलग है लेकिन हाँ हिंदू धर्म को हतोत्साहित नहीं किया था लेकिन आप जानते हैं अशोक के बाद जब मौर्य साम्राज्य अशोक के बाद नहीं जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है तो सुंग वंश की स्थापना होती है पुष्यमित्र सुंग के द्वारा तो किस प्रकार से ये बौद्ध धर्म को हतोत्साहित करता है लेकिन अशोक ने कभी भी हिंदू धर्म को हतोत्साहित नहीं किया हिंदू धर्म की बात तो छोड़ो अन्य संप्रदाय थे हिंदू धर्म के जैसे कि आजीवक संप्रदाय उनको भी प्रोत्साहित किया क्लियर है तो अशोक धार्मिक रूप से बहुत ही सहिष्णु इंसान था बहुत ही सहिष्णु इंसान था हम लोग बात करते हैं कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था उसके बाद अशोक के समय अशोक के इतिहास के बारे में हमें स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है ठीक है चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं अशोक के बारे में ही अशोक के बाद भी अभिलेख की परंपरा कायम रही ठीक है ना वैसे तो देखी जाए तो अशोक ने अपने समय पर बहुत अधिक मात्रा में मतलब हजारों की तादाद में जो है अभिलेख का निर्माण करवाया था ठीक है जिससे हमें स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है अशोक के शासन काल के बारे में ओके चलिए तो हम लोग मैन मैन अभिलेख के बारे में बात करेंगे अशोक के अभिलेख से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ठीक है तो ध्यान रखना अशोक के अभिलेख काफी महत्वपूर्ण है अब हमें अनेक प्रशस्तियों मिलने लगी हैं जिनमें दरबारी कवियों और लेखकों की की के द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसाओं के शब्द मिलते हैं देखो पहले के समय में अशोक के समय के हम लोग बात करें तो भाई अशोक के समय पर बहुत सारे अभिलेख स्तंभ आदि देखने को मिले लेकिन बाद के समय पर बहुत सारे दरबारियों ने कवियों ने अपने राजाओं के बारे में लिखना स्टार्ट किया तो वहां हमारे साहित्यिक स्रोत काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो वहां से स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है हमें साहित्यिक स्रोत से ठीक है लेकिन आप ध्यान रखना कभी कभी जो ये दरबारी होते हैं अपने राजाओं के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखते थे कि हमारे राजा इतने मतलब महान थे कि वो एक भैंसे को खा जाया करते थे मतलब खाने में इतने महान थे कि उनके 200 किलो का मतलब भाला हुआ करता था तो ये कुछ अतिशोक्ति होती है तो कहीं ना कहीं साहित्यिक स्रोत भी साहित्यिक स्रोत भी इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं देते हैं अच्छा साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों को अगर जोड़ लिया जाता है तो हमें जानकारी मिलती है अपने सच्चे इतिहास की देखो बात की जाए कि इतिहास क्या था तो इतिहास में बहुत सारी कमियां भी होती हैं क्लियर है जैसे मैं हूं अगर मैं किसी घटना को देखता हूं तो वो घटना मेरे लिए अलग टाइप की होगी हो सकता है कि मैं उस घटना को अलग परिप्रेक्ष्य से देख रहा हूं मेरी विचारधारा का उस घटना पर प्रभाव पड़ रहा है आपकी विचारधारा अलग है अगर आप उस घटना को देख रहे हो तो आप उस घटना के बारे में अलग प्रकार का वर्णन दे रहे हो हम लोगों हम लोग तो दूसरों के लिखे हुए इतिहास को पढ़ रहे हैं ना तो इतिहास में बहुत सारी कमियां हैं लेकिन हाँ फिर भी मतलब घुमा फिरा कर ये बात की जाए तो इतिहास अब ठीक ठाक है अब मैं आपको कुछ पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें कुछ मैं अभिलेख के बारे में बात करूंगा ये अभिलेख आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ये अभिलेख किस शासक से जुड़ा हुआ है इसका विषय क्या है तो मैं कुछ बातें बता रहा हूं आपको जैसे कि पहला आपका आता है हाथी गुंफा अभिलेख हाथी गुंफा अभिलेख ये खारवेल शासक ठीक है आप मुझे बताओगे खारवेल शासक कौन था उस समय पर यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको मालूम चलेगा हाथी गुंफा अभिलेख खारवेल शासक से जुड़ा हुआ है और खारवेल के शासकों की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण हमें मिलता है ठीक है तो खारवेल शासक के इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है खारवेल शासक के इतिहास के बारे में जानकारी हमें हाथी गुंफा अभिलेख से मिलती है चूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है ये किस शासक से संबंधित है तो जूनागढ़ अभिलेख जिसे हम लोग गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाते हैं ये रुद्रा दमन शासक से संबंधित है इसमें रुद्र दमन की जो विजय न, विजय है मतलब कौन कौन से राज्यों को उसने जीता किस किस शासक को हराया इनके बारे में जानकारी मिलती है रुद्र दमन के खुद के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है उनके कृतित्व के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं नासिक अभिलेख अब ये नासिक अभिलेख है ये किससे संबंधित है नासिक अभिलेख है ये गौतमी बल श्री से संबंधित है ये कौन सा राजा है ये सात वाहन राजा है गौतमी बल श्री तो भैया ऐसा है कि इसमें सात वाहन काल की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो है गौतमी पुत्र सात तो गौतमी पुत्र सात के बारे में हमें जानकारी मिलती है ये आपने सभी अभिलेख सुने होंगे ये काफी फेमस अभिलेख है मैं सारे अभिलेख आपको नहीं बता रहा हूं कम से कम ये अभिलेख तो आपको याद होना ही चाहिए इसी के बाद हम लोग बात करते हैं प्रयाग स्तंभ अभिलेख ये स्तंभ अभिलेख जो है ना आपको टकराएगा एंशियंट हिस्ट्री में बार बार तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है इससे हमें समुद्र गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त एक ऐसा इंसान था गुप्त गुप्त वंश का जिसने आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा और समुद्रगुप्त को ही भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है तो भैया प्रयाग स्तंभ अभिलेख में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है समुद्र गुप्त के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है उसने अपने युद्धों को जीतने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है किसके माध्यम से प्रयाग स्तंभ के इसके बाद हमारा आता है एहोल अभिलेख एहोल अभिलेख है इसमें हमें, हमें पुलकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है इसके बारे में पुलकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है आप मुझे बताओगे ये पुलकेशन द्वितीय है ये किस वंश से संबंधित था इसमें हर्ष और पुलकेशन के युद्ध का विवरण दिया हुआ है काफी महत्वपूर्ण है एहोल अभिलेख एहोल अभिलेख काफी महत्वपूर्ण है इसके बाद आता है आपका भीतरी स्तंभ अभिलेख इस स्तंभ अभिलेख में हमें स्कंद गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है इसी के बाद हम लोग बात करते हैं मंदसौर अभिलेख ये मंदसौर अभिलेख है ये मालवा के नरेश यशो वर्मन धर्मन नहीं है यशो सॉरी यशो वर्मन नहीं है यशो धर्मन ही है इसमें यशो धर्मन के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है तो आप समझ सकते हैं ना मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अभिलेखों के माध्यम से हमें तात्कालिक समय के वंश के बारे में जानकारी मिलती है कि किसी राजा ने किस पर चढ़ाई करी किसको जीता उसकी नीतियां कौन कौन सी थीं, उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी थीं, तो अभिलेख इतिहास के स्रोत को जानने के लिए महत्वपूर्ण है या फिर नहीं है आप मुझे ये बताओ इतिहास के स्रोत को जानने के लिए महत्वपूर्ण है या फिर नहीं है ऑब्वियसली है ना पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी एक बार आप मुझे बताइए कि किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है आवाज ठीक आ रही है बिल्कुल परफेक्ट है किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ही बताओ देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था इतिहास क्या होता है तो वर्तमान समय में अतीत का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं तो इसी को इतिहास बोलते हैं इतिहास को हम लोग क्यों पढ़ते हैं जिससे कि वर्तमान समय में जो भी घटनाएं घटित होती हैं तो इतिहास से इतिहास में घटी हुई घटनाओं से हम लोग कुछ सीख सके अगर आपको प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाए अगर आपको आई अधिकारी बना दिया जाए और कुछ इतिहास में घटनाएं हुई हैं वैसी घटनाएं है शायद आपके समय पर भी हो रही हैं ठीक है आपके कर्मचारियों ने जो है विद्रोह कर दिया है इसी प्रकार से समय समय पर बहुत सारे वंश हैं उनके समय पर भी कर्मचारियों ने विद्रोह कर दिया था जैसे मोहम्मद बिन तुगलक तो आप क्या डिसीजन लोगे है ना मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या डिसीजन लिया था वो असफल हुआ या फिर सफल हुआ इसी प्रकार से आप क्या डिसीजन लोगे आप सफल है ना तो इतिहास से हमें बहुत सारी वर्तमान समय की जो चुनौतियां होती हैं उनको सॉल्व करने में हमें सहायता मिलती है इसलिए हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं अब इतिहास से हमें इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है तो मैंने आपको बताया था एक होता है पुरातात्विक स्रोत जिसमें कि अभिलेख स्मारक एवं सिक्के मूर्तियां चित्रकला मोहरें इन सबके माध्यम से हम लोग अपने इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं इसके बाद मैंने आपको बताया था साहित्यिक स्रोत साहित्यिक स्रोत में धार्मिक गैर धार्मिक और हमारा कौन सा विदेशी विवरण तो ये आपको समझ में आया या फिर नहीं आया ठीक है एक और है आपका एक गैर सरकारी लेखों में एक यवन राजदूत हेलियोडोरस का नाम आपने सुना होगा कौन सा नाम हेलियोडोरस ये हेलियोडोरस का जो स्तंभ है जिसको हम लोग गरुड़ स्तंभ के नाम से जानते हैं ये हमें विदिशा से प्राप्त हुआ है कहां से प्राप्त हुआ है ये हमें विदिशा से प्राप्त हुआ है और हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है ठीक है तो इससे हमें ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है कि भैया ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार काफी बढ़ने लगा था क्योंकि आप जानते हैं अशोक के समय पर किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफी बड़ा था मौर्य काल के समय पर जितने भी शासक हुए हैं अशोक के बाद उन्होंने अपना सारा का सारा जीवन जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया तो ये काफी महत्वपूर्ण है एकदम से धर्म के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिला और लोग बाग बौद्ध धर्म को छोड़ते हुए भागवत धर्म की ओर आकर्षित हुए ठीक है तो ये काफी महत्वपूर्ण है आप ध्यान रखना क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है वो कहां पर स्थित है तो विदिशा आप जानते हैं और विदिशा का प्राचीन नाम था बेसनगर क्लियर है ये यवन राजदूत था हेलियोडोरस अब एक बार आप इसको देख लीजिए मैं आपको ये थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं एक बार आप इसको देख लीजिए देखो मैंने आपको बताया था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत तो एक हो गया आपका पुरातात्विक स्रोत इसमें हम लोगों ने बात की थी अभिलेख स्मारक भवन सिक्के मूर्तियां और चित्रकला और मोहरे इनसे हमें जानकारी मिलती है हमारे इतिहास के बारे में इसके बाद साहित्यिक स्रोत की हम लोग बात कर रहे हैं तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय साहित्य अब भारतीय साहित्य में क्या आएगा उसको आप समझिए इसके बाद हम लोग करेंगे बात विदेशी साहित्य में तो भारतीय साहित्य में हम लोग तीन डायरेक्शन में जाएंगे एक है आपका धार्मिक साहित्य ये है एक है आपका धर्म निरपेक्ष साहित्य और एक है आपका संगम साहित्य ठीक है धार्मिक साहित्य में कौन कौन सी चीजें आएंगी धार्मिक साहित्य में आप जानते हैं जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मण साहित्य ये हिंदू धर्म से संबंधित है अब आप बोलोगे सर के ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से हैं तो वेद वेद कौन कौन से हैं ऋग्वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ एतरेय कौशित की गोपत आरण्य की हम लोग बात कर रहे हैं तेतरीय है, मैस्रा, एत्रे, इसके अलावा उपनिषद की हम लोग बात कर रहे हैं कठ है ना वेदांग की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषी उपवेद की हम लोग बात कर रहे हैं आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्वेद शिल्प वेद षठ दर्शन की हम लोग बात ये षठ दर्शन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जब फिलॉसफी सब्जेक्ट लोगे दर्शन शास्त्र जब सब्जेक्ट लोगे तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी ठीक है तो ये सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये षड दर्शन है इन दर्शन के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है अपने इतिहास के बारे में महाकाव्य आप जानते हैं रामायण और महाभारत और रामायण और महाभारत से भी हमें जानकारी मिलती है इसी प्रकार से पुराण विष्णु पुराण भागवत पुराण शिव पुराण गुरुण पुराण इसी प्रकार से स्मृति मनुस्मृति ये काफी महत्वपूर्ण है इस प्रकार से हमारा संविधान है आज के समय में और संविधान के हिसाब से ही हमारा देश चलता है उसी प्रकार से उस समय पर स्मृति के द्वारा ही हमारा समाज चलता था दंड विधान ठीक है और इसी प्रकार से समाज में किस प्रकार से रहा जाएगा वर्ण व्यवस्था इन सभी के बारे में जानकारी मनुस्मृति से मिलती है इसी प्रकार से नारद स्मृति याग बल की स्मृति ये सभी जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेगी तो हम लोगों ने धार्मिक साहित्य धार्मिक साहित्य में हम लोगों ने किसकी बात की थी ब्राह्मण साहित्य तो ब्राह्मण साहित्य में एक भी चीज आपकी छूटी नहीं है सारी चीजें मैंने आपको बता दी इसके अलावा बौद्ध साहित्य अब बौद्ध साहित्य के बौद्ध साहित्य से भी तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी ना तो सबसे पहले सुनय पीटक, पीटक अभिधमित्र और दिव्यावदान ये आपके बौद्ध साहित्य हैं हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग सारी चीजों को नहीं पढ़ेंगे ठीक है हम लोग मैन मैन बौद्ध साहित्य हैं उन्हीं को बस पढ़ेंगे जिसके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है जैन साहित्य अब जैन साहित्य के कौन कौन से साहित्य हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है तो परिशिष्ट पर्वन भद्र बाहु चरित्र भगवती सूत्र कल्प सूत्र ये सभी जो हैं आपके धार्मिक धार्मिक साहित्य हैं और धार्मिक साहित्य से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है नेक्स्ट है आपका धर्म निरपेक्ष साहित्य अब बताइए मुझे धर्मनिरपेक्ष साहित्य का मतलब क्या होता है जिसमें कि धार्मिक बातें नहीं लिखी होती हैं देखो ये ब्राह्मण साहित्य है बौद्ध साहित्य है जैन साहित्य है अब इन सभी साहित्यों में धर्म के बारे में तो जानकारी मिलेगी ना मिलेगी लेकिन धर्म निरपेक्ष साहित्य में धर्म के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी और बिल्कुल ये धर्म से अलग होंगे कॉटल का अर्थशास्त्र इसमें धार्मिक बातें नहीं होंगी अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि इसमें अर्थशास्त्र की बातें लिखी हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट जितने भी आप पढ़ते हो ना यूपीएससी में सारे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र में ठीक है कलहण की रास्तांगणी पाणिनी का अष्टाध्यायी विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्न मित्रम रघुवंश मेघदूत बाण भट्ट हर्ष चरित्र ये सारे जो हैं आपके धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं इसके बाद हम लोग बात करेंगे संगम साहित्य अब संगम साहित्य में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि हमें जानकारी देती हैं संगम साहित्य आप जानते हो ना संगम साहित्य जो है आपके दक्षिण भारत के बारे में जानकारी देते हैं दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश थे दक्षिण भारत में कौन कौन से ऐसे आ, राजा हुए हैं जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया है तो ये संगम साहित्य है ये हमारे उत्तर भारत के आ, सामाजिक आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र से बिल्कुल अलग है दक्षिण भारत की धार्मिक परंपराएं क्रियाकलाप रहन सहन कपड़ा सब कुछ अलग है ठीक है ना तो संगम साहित्य के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है दक्षिण भारत में तो तिरुकुरल शिल्पाधिकारम ये काफी महत्वपूर्ण है शिल्पाधिकारम है ना मणि जीवक चिंतामणि अगर आपको शायद याद हो तो आप मुझे बता दो ये शिल्पाधिकारम है ये किसके द्वारा लिखी गई है ओके चलिए ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया ये हो गए आपके भारतीय साहित्य भारतीय साहित्य में धार्मिक धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य इन सभी से हमें संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी मिलती है ये तो हमारे भारतीय साहित्य हो गए अब ये जो है ये हमारे विदेशी साहित्य हैं। यानी कि समय समय पर हमारे भारत देश में बहुत सारे विदेशी शासक आए हैं ना आए हैं या फिर नहीं आए हैं आपने नाम सुना होगा मेगास्तनीज का आपने नाम सुना होगा फायान का आपने नाम सुना होगा वैनसांग का आपने नाम सुना होगा इत का आपने नाम सुना होगा इब्न बतूता का तो भाई साहब ये हमारे भारत देश में आएंगे तो भाई साहब कुछ हमारे भारत देश के बारे में जानकारी तो देंगे ना इनका मुख्य उद्देश्य क्या था हमारे भारतीय देश के बारे में लिखना तो भैया यूनान से कौन कौन से लेखक आए थे जिन्होंने हमारे भारत देश के बारे में हमारे भारत देश के इतिहास के बारे में जानकारी दी थी तो वो है आपका मैगस्तनी दूसरा है आपका टोलोमी तीसरा है आपका डेरोडोट्स चौथा है आपका निर्याकस और ये है आपका एरिस्टोबुल अभी फिलहाल आपको मैं बस बता रहा हूँ लेकिन बाद में मैं आपको जब बताऊंगा ना कौन से काल में कौन सा विदेशी शासक आया था और इसके कौन सा साहित्य है है ना और उस साहित्य में इसने भारत के बारे में क्या जानकारी दी है इन सब के बारे में हम लोग आराम से पढ़ेंगे ठीक है तो ये है आपका यूनान एवं रोम के अभिलेख और रोम के लेखक फिर हैं आपके चीनी लेखक और फिर हैं आपके अरबी लेखक ठीक है ना तो चीनी लेखक में कौन कौन से हैं देखो फायान है सबसे पहले आप जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते चलिए कि फायान जो है किसके समय पर हमारे भारत देश में आया था इसके बाद ंग आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में किसके समय पर भारत आया था इत सिंह के बारे में आप मुझे बताइए कब आया था इसके अलावा अरबी लेखक आए थे हमारे भारत देश में और अरबी लेखकों ने भी हमारे भारत देश के बारे में जानकारी बहुत सारी दी थी ये है अल सुलेमान दूसरा है अल मसूदी तीसरा है इब्न बतूता तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी लोगों को एक बार एक बार एक बार हैंड्स ऑफ कर दीजिए मुझे जिससे कि मुझे मालूम चल जाए कि हाँ आपको यहां तक समझ में आ गया है यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि मैंने आपको बताया अभी तक मैंने आपको क्या बताया अभी तक मैंने आपको ये बताया भाई साहब कि इतिहास क्या होता है इतिहास का महत्व क्या है इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं मेरे हिसाब से अभी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो कि सर ये दिक्कत है हमें यह सब चीज़ें समझ में नहीं मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से विश्वास कीजिए आपके प्रीलिम्स तर, प्रीलिम्स के आने तक मैं सारी चीज़ें आपको करवा दूंगा है ना बस मेरे साथ रहना सुबह सात बजे की टाइमिंग हमारी चार महीने पहले भी थी और अभी भी हमारी सुबह सात बजे की टाइमिंग है सुबह पढ़ने का मजा ही कुछ और है सुबह उठिए काफी अच्छा लगेगा आप सभी लोगों को और ये चीजें बहुत ही नई चीजें हैं जो भी मैंने आपको पहले पढ़ाई है यूट्यूब पर उसमें बहुत सारी चीजों को ऐड किया है प्रीलियम्स के दृष्टिकोण से क्योंकि आजकल प्रीलियम आजकल जो प्रीलियम्स का एग्जाम होता है उसमें बहुत ही डीप में चीजें पूछी जा रही हैं तो ये सभी चीजें काफी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए ओके चलिए तो कोई सर पांच बजे कर दो सर पांच बजे बेटा नहीं हो पाएगा आप खुद ही नहीं आओगे पांच बजे हम्म आप खुद ही नहीं आओगे पाँच बजे पाँच बजे मैं अगर कर भी दूंगा ना तो आप खुद ही नहीं आओगे पाँच बजे सर पी डी से मिलेगी पी आपको मुझे मिलेगी मेरा ही ग्रुप है भूपेंद्र सिंह दिनकर भूपेंद्र सिंह दिनकर डी आई एन के आर भूपेंद्र का स्पेलिंग तो आती है ना भूपेंद्र सिंह दिनकर की स्पेलिंग तो आपको आती है ना ठीक है उस स्पेलिंग को आप टेलीग्राम ग्रुप पर जो है आ, सर्च करना तो वहाँ पर मेरी ही फोटो मिलेगी आपको शायद आपको पहचान में ना आए लेकिन हाँ वो मेरी ही फोटो है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपकी फोटो लगती नहीं है वो मेरी ही फोटो है और उसको आप ज्वाइन कर लेना वहां से आपको पी मिल जाएगी डेली की डेली ठीक है चलिए आप मुझे भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से है ना हर एक प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं चाहे वो आपका फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो यूट्यूब हो हर किसी पर ठीक है।, है ना चलिए अब हम लोग आगे बढ़े आगे हम लोग बढ़ते हैं चलिए तो ये आपने समझ लिया ना अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं उसको आप समझिए हम लोग स्मारक और भवन स्मारक और भवन किस में आता है ये पुरातात्विक साक्ष्य में पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से हम लोग इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से स्मारक और भवन है जिसके माध्यम से हमें अपने इतिहास को समझने का है ना इतिहास को समझने का मौका मिलता है तो आप जानते हैं स्मारक और भवन से जनता की आध्यात्मिकता और धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ इस प्रकार के स्नानागार मिले हुए हैं अब ये जो स्नानागार है उससे हमें यह मालूम चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कुछ धार्मिक गतिविधियां यहां पर करते होंगे है ना तो स्मारक और भवन से हमें क्या जानकारी मिलती है आध्यात्मिकता और किसकी धर्मनिष्ठा की इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता और मोहन जोदड़ो सभ्यता की हम लोग बात करें तो जब हड़प्पा और मोहन जोदड़ो शहर की जब खुदाई हुई थी तो यहाँ से बहुत सारे भवन हमें देखने को मिले थे और ये सभ्यता जो लगभग देखी जाती है तो लगभग पांच हजार वर्ष पुरानी सभ्यता है ठीक है ना और नवीन शोधों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है लेकिन एग्जैक्टली exactly कितनी पुरानी है ये हमें पता नहीं है है ना और यहाँ से कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं कि कितनी पुरानी है वो आपकी अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे स्थान जहां से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं तो भैया ये है अंतरिजी खेड़ा ये अंतरिजी खेड़ा है यहाँ से हमें जानकारी मिलती है यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि देश में लोहे का प्रयोग एक हजार के लगभग एक हजार पूर्व के लगभग प्रारंभ हो गया था अच्छा आप मुझे बताओ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या लोहे से परिचित थे हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या लोहे से परिचित थे इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ जिनके अवशेष बिखरे बिखरे रूप में पूरे देश में विद्यमान है अच्छा आप मुझे बताओ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या मंदिर बनाते थे क्या मंदिर में उपासना करते थे नहीं ऐसा नहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग ना तो लोहे से परिचित थे और ना ही मंदिरों में वो पूजा करते थे ठीक है ना मातृदेवी आपने सुना होगा मातृदेवी की वो लोग पूजा करते थे हम लोग तो पूरी बात कर रहे हैं है ना पूरे इतिहास की हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग स्मारक भवन में केवल हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग मौर्य काल गुप्त काल है ना और संगम काल सब की बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है तो इसी प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं स्मारक और भवन में तो स्मारक और भवन में बहुत सारी शैलियों का विकास हुआ जैसे मंदिर के निर्माण में आप जानते हैं नागर शैली का विकास हुआ द्रविड़ शैली का विकास हुआ वेसर शैली का विकास हुआ तो ये आप भवन देख रहे हैं ना मैंने आपको ये फिगर बताए हैं इन भवनों को आप देखो इन भवनों को आप देखो तो इस प्रकार से आपको हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के भवन देखने को मिलेंगे उत्तर भारत में आपको अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे दक्षिण भारत में आपको अलग प्रकार की शैली देखने को मिलेगी ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर ठीक है ना क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के आपके भवन मिलेंगे क्लियर है तो आप समझिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महलों और मंदिर शैलियों का विकास हुआ आर्ट एंड कल्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं मुगल काल में कौन कौन से प्रकार के जो महल थे वास्तुकला का निर्माण हुआ क्या विशेषताएं थी उनकी बौद्ध स्तूप कैसे थे मंदिर कैसे थे ठीक है ना यही तो हम लोग पढ़ते हैं इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि आपका देवगढ़ का मंदिर है दशावतार अच्छा मंदिर ठीक है भीतर गांव का मंदिर अजंता की गुफाओं के चित्र सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं हमारे भारत देश में ये जो कला है मंदिर निर्माण की जो शैली है वो काफी विकसित हुई है आपने देखा होगा ना द्रविड़ शैली कितनी शानदार है दक्षिण भारत में जो भी आपके मंदिर बने हैं ना अल्टीमेट है मतलब कभी आपको मौका मिले तो घूमने जाना बहुत ही अल्टीमेट है चलिए उत्तर भारत के ना उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली मध्य भारत के मंदिर बैसर शैली और दक्षिण भारत के मंदिर जो है आपके द्रविड़ शैली से निर्मित हुए हैं और नागर शैली बेसर शैली और द्रविड़ शैली से भी हमें अपने संस्कृति को अपनी संस्कृति को समझने का प्रयास मतलब मौका मिलता है कि नागर शैली <intersectionality laughs> किस प्रकार की थी कौन कौन सी विशेषताएं थी कौन से राजा ने किस किस मंदिर का निर्माण करवाया

आपने खजराव का नाम सुना होगा बहुत ही शानदार है कभी मौका मिले तो घूमने जाना आप तो भैया खजुराव का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का एक बेस्ट एग्जाम्पल है बेस्ट एग्जाम्पल मतलब अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना अल्टीमेट आपने देखा होगा ना कुछ अश्लील टाइप की कुछ आपको मूर्तियां भी खजुराहो के मंदिर में देखने को मिलेंगी तो वो खजुराव का मंदिर है खजराव के मंदिरों का निर्माण जो है वो चंदेल शासक ने करवाया था मेरे साथ साथ बोलना चंदेल शासक ने क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है हाँ ये स्मारक और भवन में हम लोग बात करते हैं और भी भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति संबंधी स्मारक भी मिले हैं दक्षिण पूर्व एशिया आप जानते हैं ना ये है आपका मलाया ओके अंडमान निकोबार याद है आपको है ना श्रीलंका के पूरब की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा है जावा द्वीप में हमें मिला है बोरो बुदुप स्तूप ये 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 जो स्तूप है 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 किससे जुड़ा जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है आपका महायान शाखा से आप जानते हैं ना हमारा बौद्ध धर्म है वो दो भागों में डिवाइड हुआ था कौन सी संगीति में चतुर्थ संगीति में किसके समय पर हुई थी कनिष्क के समय पर कहां पर हुई थी कुंडल वन में तो भैया महायान बौद्ध स्तूप स्तूप यानी कि उस शाखा का मंदिर हमें देखने को मिलता है इसी प्रकार से कम्बोडिया तो नाम सुना होगा ना आपने कम्बोडिया कम्बोडिया का जो ओंकार वाट मंदिर है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसी प्रकार से आप समझिए कि हमारे भारत देश के जो शासक हैं वो कहाँ कहाँ तक उन्होंने शासन किया था और हमारी संस्कृति कहाँ तक फैली हुई है है ना ईरान से लेकर अगर हम लोग बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की तो वो कंबोडिया तक फैली हुई ओंकार वाट मंदिर काफी महत्वपूर्ण मंदिर है तो ये हो गए आपके स्मारक और भवन हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य की ही बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि हमारे भारत देश में विभिन्न जो वंश आए उन्होंने बहुत सारे मंदिर और भवनों का निर्माण करवाया इससे हमें हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है और हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति काफी अग्रणी थी जिस समय पर यूरोप में खाना पीना आता नहीं था लोग बागों को उस समय पर हमारी संस्कृति बहुत ऊंचे लेवल पर थी स्थापत्य कला की बात करें चाहे हम लोग मंदिर की बात करें चाहे हम लोग खान पान की बात करें चाहे हम लोग रहन सहन की बात करें चाहे हम लोग राजनीतिक विषय की बात करें तो हमारा अब्बल दर्जे का था ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिक्के अब भैया सिक्के के माध्यम से हमें किस प्रकार से अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन से शासन काल के समय पर किस वंश के समय पर हमें सिक्के प्राप्त होते हैं ठीक है तो ये आप समझना हाँ कमेंट बॉक्स में आप ध्यान रखना कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं उसका आप ध्यान रखना कमेंट बॉक्स में कोई भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत होती है अगर आपको मालूम होता है तो आप उसको बता दो कि भाई कोई बच्चा पूछता है कि सर पीडीएफ डी कहाँ मिलेगी तो आपको मालूम है बहुत सारे बच्चे मेरे पुराने बच्चे हैं तो भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से सर्च कर लेना टेलीग्राम पर तो वहाँ पर आपको पी मिल जाएगी अब टाइमिंग क्या है टाइमिंग के बारे में पूछें तो सुबह सात बजे रोज़ तीन घंटे की क्लास हमारी चलेगी ठीक है और एंशियंट तीन दिन चलेगी मेडिएबल तीन दिन चलेगी और आधुनिक भारत का इतिहास हमारा तीन दिन चलेगी इस प्रकार से हमारा सेशन चलेगा क्लियर है है ना और भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से अलग से मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो वहां पर करंट अफेयर्स की क्लास चलती है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है ओके तो थोड़ा साथ देना और जो भी बच्चे नए आते जा रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन देने का जो काम है वो आपका है क्योंकि मैं अगर आपके कमेंट बॉक्स पर ध्यान दूंगा तो थोड़ा सा भटक जाऊंगा मैं है ना तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है क्लियर है जो भी बच्चा आता है नया नया और हाँ बाद में मैं आपको एक आंसर क्वेश्चन uh, भी दूंगा और उस क्वेश्चन को हम लोग कल जो है चेक करेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं ना मैं करता हूँ रोज करता हूँ वैसे ही हम लोग रोज करेंगे ये मेरा कोड है बी एस लाइव आप बी एस लाइव कोड का यूज़ करते हुए अन अकेडमी के कॉम्बैट जो टेस्ट होते हैं उसको भी आप अनलॉक कर सकते हैं और आप एडमिशन भी ले सकते हैं अगर आप बीएस लाइफ कोड का यूज करोगे तो डायरेक्टली आप मेरे साथ जुड़ जाओगे है ना और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा तो वहां से आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं हमारी टीम आपकी बिल्कुल जो है समर्थन करेगी चलिए अब इसके बाद हम लोग सिक्कों की बात करते हैं <laughs> कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियों तिथियां भी खुदी हुई हैं जो कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई हैं आज थोड़ा सा जुकाम हो रहा है बहुत ज्यादा थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा ही हो रहा है देखो मेरी बात सुनिए तो अगर हम लोग बात करते हैं सिक्कों के बारे में तो भैया ऐसा है कि अभिलेख स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजा जो थे आपके है ना चाहे गुप्त काल के हों चाहे मौर्य काल के हों उनके समय पर बहुत सारे सिक्के जो हैं वो ढलवाए गए थे और सिक्कों के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है अब सिक्कों के माध्यम से हमें स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है कि किस समय पर किस राजा का शासनकाल रहा हुआ है ना अब जैसे अशोक है अशोक ने अपने काल में सिक्कों का निर्माण करवाया होगा तो ऑब्वियसली उसने लिखा होगा ना कि भैया ये जैसे कि मैं हूँ भूपेंद्र सिंह दिनकर भूपेंद्र सिंह दिनकर जो है वो 2021 में मौजूद है 2021 में लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी पर जो है वो क्लास ले रहा है तो सिक्कों में तिथियां लिखी होती हैं और हमें अपने इतिहास के बारे में सटीक जानकारी मिलती है कि इस तिथि के समय पर यह घटना घटित हुई थी इसलिए सिक्के काफी महत्वपूर्ण होते हैं अगर हम लोग बात करते हैं देखो दो हज, दो सौ छह ईसा पूर्व से लेकर तीन सौ ईस्वी तक की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर बहुत इस समय इस कालक्रम में बहुत सारी मुद्राओं का प्रचलन था और इस समय जो है इस समय के इतिहास को जानने में हमें सिक्कों से बहुत बड़ी सहायता मिलती है ठीक है बाद में तो आप जानते हैं कि ईसा पूर्व ती, तीन तीन सॉरी तीन सौ ईस्वी के बाद तो साहित्यिक स्रोत बहुत सारे आने लग गए थे बहुत सारे दरबारी और कवि थे जो समय समय पर अपने राजा के बारे में लिखते थे तो तीन सौ ईस्वी के बाद जो साहित्यिक स्रोत होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए इतिहास को जानने के लिए तो भैया सिक्के का निर्माण किस किस धातु से किया गया था तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सोने की धातु जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है इसके अलावा तांबा सीसा इन सब के सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं चांदी के सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं अगर आपके पास कोई सिक्का हो है ना जो काफी पुराना हो क्लियर है अगर आपको मिला हो चाहे वो चांदी का हो चाहे वो तांबे का हो पुराना होना चाहिए अगर आप म्यूजियम में बेचने जाओगे ना उसकी कीमत करोड़ों में होती है अगर आपके पास मेरे पास एक सिक्का पड़ा हुआ है वो काफी पुराना है लेकिन अभी मैंने किसी को बताया नहीं है वो है ना बहुत महंगा बिछेगा वो ठीक है मैं नहीं बताऊंगा वो वो किस राजा से जुड़ा हुआ है वो तामे का सिक्का है वो अगर आपके पास भी हो तो आप उसे रख सकते हैं आप उसे चाहो तो रख सकते हैं चाहो तो आप म्यूजियम में उसको बेच भी सकते हैं ठीक है ये सिक्के काफी महत्वपूर्ण होते हैं इतिहासकारों के लिए चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं देखो प्राचीनतम सिक्के होते हैं उनको हम लोग आहत सिक्के के नाम से जानते हैं अब आप बोलोगे सर आहत सिक्के क्या होते हैं देखो आहत सिक्के ऐसे सिक्के होते हैं जिसे हम लोग ठोक ठोक कर बनाते हैं पीट पीट कर हम लोग बनाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आहत सिक्के बोलते हैं इसे आहत सिक्के या फिर पंच मार्क सिक्के है ना भी कहे जाते हैं देखो ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं आहत सिक्के या फिर आहत मुद्रा ओके ठीक है चलिए ये तो आपको मालूम चल गया अब देखो आहत सिक्के पर कुछ चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं हमारे भारत देश में इस समय पर जो सिक्के चलते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि कभी कभी इंदिरा गांधी कभी कभी बी आर अम्बेडकर कभी कभी आपको जो है संसद की फोटो कभी कभी आपको गांधी जी की फोटो देखने को मिलती है ना उसी प्रकार से उस समय पर सिक्कों पर पेड़ मछली सांड हाथी और अर्धचंद्र इन सभी की आकृति आपको देखने को मिलती है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे सर्वाधिक जो सिक्के मिलते हैं वो मौर्योत्तर काल के बाद हमें मिलते हैं मौर्य काल, मतलब, काल की जब समाप्ति होती है ना शुंग वंश की स्थापना होती है शुंग वंश के बाद कण्व वंश फिर आप जानते हैं कि विदेशी शासक हमारे भारत देश में समय समय पर आक्रमण करते रहे शक हु कुषाण याद है या फिर नहीं है ठीक है ना तो सर्वाधिक सिक्के हमें कहां से प्राप्त हुए हैं तो ये हमें मौर्योत्तर काल से प्राप्त हुए हैं ठीक है ये सिक्के जो हैं मुख्यतः किससे बने हुए थे ये सीसे चांदी तांबा और सोने से बने हुए थे अच्छा आप ये बोलोगे कि सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो कि सीसे चांदी तांबा और सोने से ये बने हुए हैं भाई साहब मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं इससे हमें ये जानकारी भी मिलती है कि उस समय पर भैया सीसा चांदी तांबा यूज होता था इस्तेमाल होता था है ना अब आप समझिए इस बात को कि भैया लोहे के Uh, uh, हड़प्पा सभ्यता में भाई लोहे के कोई भी यंत्र देखने को नहीं मिले इससे हमें क्या मालूम चलता है कि भैया हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे यही है ना ठीक है ना तो इन सभी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें जानकारी मिलती है क्लियर है यूपीएससी पूछेगा तो वो ऐसी क्वेश्चन पूछेगा कि भैया हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो धातु लोहे की धातु से परिचित थे या फिर नहीं थे भैया लोहे की धातु हमें मिली ही नहीं है तो कहाँ से परिचित थे जैसे घोड़े से परिचित थे या फिर नहीं थे तो ऑब्वियसली घोड़े के साक्ष्य हमें देखने को मिले ही नहीं है किसी भी मृदभांड में चित्र नहीं मिले हैं किसी भी मुद्रा में चित्र नहीं मिले हैं कैसे हम लोग कह सकते हैं कि भैया घोड़े से वो परिचित थे नहीं थे ना ठीक है तो देखिए आगे हम लोग बात करते हैं इसी प्रकार से सातवाहन ने सीसे और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलवाए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बहुत बढ़िया है आप सभी को समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कहाँ चल रहे हैं है ना और थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन करना क्लियर है और देखो मैं बताऊं तो अभी मैं खुद ही कोरोना पॉजिटिव हूं क्लियर है लेकिन अब कोरोना पॉजिटिव को लेकर फिर हाय हल्ला करो फिर क्या ही मतलब है, है कि नहीं है अपना काम साथ, साथ में चलते रहो है ना अभी माइल्ड सिम्टम्स हैं सीरियस नहीं है अगर आपको भी देखो अभी सर्दी जुकाम होता है तो उसको आप इतना लाइटली ना लें टेस्ट करवाएं और ऊपर से सबसे पहले सिटी स्कैन करवाएं क्योंकि कितना संक्रमण फेफड़ों में फैल गया है ना ये जानकारी आपको सिटी स्कैन से ही मिलेगी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लग रहा है कि हाँ सर्दी जुकाम ठीक हो चुका है बुखार ठीक हो चुका है लेकिन भाई बहुत सारे लोग मर रहे हैं भैया है, बूढ़े लोग नहीं अब जवान लोग भी मर रहे हैं अन अकेडमी के एक टीचर थे ऋषि केस नाम है उनका वो भी कल शायद एक्सपायर हो गए थे वो तो ध्यान रखना थोड़ा सा अपनी स्वास्थ्य का घर पर रहो पढ़ाई करो अच्छा हेल्दी डाइट खाओ है ना मल्टी विटामिन खाओ विटामिन डी विटामिन सी खट्टे फल खाओ अच्छी डाइट होना चाहिए और बिल्कुल भी लापरवाही ना करें ये लापरवाही आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है चलिए हम लोग बात करते हैं आगे सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया यवन शासक कौन थे आप जानते ना वो ग्रीक से आए थे सिकंदर मैगस्थनीज है ना ये सारे थे तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखावट का, का काम किसने स्टार्ट किया था तो, तो आप क्या बताओगे आप बताओगे यवन शासक चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त अब आप ये बोलोगे कि भैया समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिला है और उस सिक्के में उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तो भाई साहब इससे हमें क्या मालूम चलता है कि भैया ये समुद्रगुप्त है इसको इंटरेस्ट था ये वीणा बजाने में निपुण था क्लियर है संगीत प्रेमी था है ना तो सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है सिक्कों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है क्लियर है तो देख लीजिए समुद्र गुप्त तो भाई बहुत टैलेंटेड इंसान था इसने बहुत सारे युद्ध जीते इसने जो संघ था दक्षिण भारत का उसको हरा दिया ऐसा कोई सा भी युद्ध नहीं था जो ये जीता ना हो तो भैया आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया संगीत में तो खुद ये वीणा वाजक था एक अच्छा विजेता था है ना नीतियों की बात करें तो भैया इसने ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाई है ना भाई इसने एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया पूरे भारत पर इसने राज किया क्लियर है लेकिन बाद के जो बाद के जो गुप्त शासक हुए वो इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाए और समुद्र गुप्त की तरह प्रतापी शासक नहीं साबित कर पाए अपने आप को जिसकी वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया क्लियर है फिर उसके जो सामंत थे उन्होंने छोटे छोटे राज्यों की स्थापना कर ली क्लियर है चलो ठीक है एक नोट है इस नोट को आप ध्यान रखना सिक्कों के अध्ययन को न्यू मिस न्यू मिसमेटिक्स न्यू मिसमेटिक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं न्यू मिसमेटिक्स बोलते हैं तो समझ में आ गया ठीक है भैया हमें ये तो समझ में आ गया कि स्मारक और भवन कौन कौन से हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है अपने इतिहास को समझने में इसके अलावा आ, सिक्के कौन कौन से हैं कौन कौन से राज कौन कौन से राजाओं से जुड़े हुए हैं ये जानकारी भी हमें मिल गई अब इसके बाद हम लोग आते हैं मूर्तियां तो किस किस प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं मूर्तियों की विशेषता कौन कौन सी हैं और मूर्तियों से हमें इतिहास को समझने में क्या जानकारी मिलती है इसको आप समझना देखो पांच तारीख से आपके न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं तो आप ये जो कोड है ना नीचे आपको दिख रहा है लिंक करता हुआ इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आप अन अकेडमी का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस कोड का आप इस्तेमाल करोगे तो डायरेक्टली आप मुझसे जुड़ जाओगे ठीक है ना आपकी यूपीएससी की जर्नी में मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगा चलिए इस रोज सुबह सात बजे तैयार रहा करो हमारी क्लास चलेगी और हिस्ट्री में एक नंबर आपकी करवा दूंगा चिंता मत कीजिए ठीक है चलिए ओके आवाज़ तो सभी को सही आ रही होगी ना मेरे हिसाब से हमारा पैन कहाँ गया चलो ठीक है अब इसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं मूर्तियों की तो मूर्तियों से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है तो भैया ऐसा है कि हम लोग बात करते हैं मूर्तियों का निर्माण तो पहले के समय पर पहले के समय पर हम लोग बात करते हैं कि भाई साहब वैदिक काल में हम लोग बात करें ऋग्वैदिक काल में हम लोग बात करें या फिर उत्तर वैदिक काल में हम लोग बात करें तो ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल में हमें मूर्तियां देखने को नहीं मिली हैं तो कहाँ कब देखने को मिली हैं तो मूर्तियों का निर्माण अगर हम लोग प्रारंभिक रूप से देखा जाए तो कुषाण के समय से देखा जाता है कुषाण के समय पर जो है मूर्तियों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ था ठीक है ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मूर्तियों का निर्माण कब से आरंभ हुआ था कुषाणों के समय पर कुषाणों में सबसे प्रतापी राजा था कौन था कनिष्क ठीक है ओके कुषाण कालीन मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है अब आप बोलोगे भैया कुषाण कालीन मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव विदेशी प्रभाव किस प्रकार का है देखो आपने कुछ यूनानी मूर्तियाँ देखी होंगी है ना जिसमें कि मसल्स अलग टाइप की दिखाई देती हैं ये कपड़ों की सलवटें आप देख रहे हो ना ये सलवटें अलग से ही दिखाई देती हैं आपको ऊपर भाव भंगिमाएँ ये आपको दिख रहा है ना ये हंसता हुआ चेहरा है हंसता हुआ है रोता हुआ है ठीक है ये आपके गहने वगैरह ये सब बाल वगैरह केस विन्यास ये सारी की सारी चीज़ें हमें यूनानी मूर्तियों में देखने को मिलती हैं और ये गांधार शैली है हमारे भारत देश में हमारे भारत देश में जो ये गांधार शैली है किसी को कोई दिक्कत है क्या किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ एक मिनट आवाज वगैरह सब कुछ ठीक आ रही है ना ओके चलो तो कालीन मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव विदेशी प्रभाव में आप जानते हैं ना सलवटें कपड़ों की केस विन्यास इसी प्रकार से मसल्स आपको देखने को मिल जाएंगी तो हमारे भारत देश में इस प्रकार की मूर्तियां पहले देखने को नहीं मिली हैं लेकिन जैसे ही हमारे भारत देश में कुषाण आए तो कुषाण यही चीज हमारे भारत देश में लेकर ले आए और इसके बाद गांधार शैली का विकास हुआ और गांधार शैली में हमने देखा भैया जो भी मूर्तियों निर्माण हुआ उसमें हमने सलवटें मसल्स केस विन्यास इन सभी जबकि जो मथुरा कला थी ना ये मथुरा कला हमारी पूर्णतः स्वदेशी थी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मथुरा कला पर विदेशी प्रभाव है तो ये कथन गलत हो जाएगा अगर आपसे कहा जाए कि गांधार कला जो है उस वो पूर्णतः स्वदेशी है तो नहीं गांधार कला है उस पर विदेशी प्रभाव है और मथुरा कला है ये पूर्णतः स्वदेशी है इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन आपसे बनाता है चलिए इसके बाद हम लोग कुछ बात करते हैं मूर्तियों के बारे में जो कहाँ कहाँ से मिली हैं बरूत बौद्धगया सांची अमरावती ठीक है ना सॉरी ये आपकी मूर्ति कला में कौन कौन सी हैं ये भरहूत बौद्ध कया सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन साधारण के जीवन के अति सजीव झलक देखने को मिलते हैं किस प्रकार की हमारा समाज था किस प्रकार से हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था थी किस प्रकार से ब्राह्मणों का अस्तित्व था जो कि बहुत ही उच्च था शूद्रों की बहुत, बहुत दयनीय स्थिति थी और इसी प्रकार से महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है हमें मूर्ति कला से इसके बाद हम लोग चित्रकला की बात करेंगे हमारे भारत देश में किस किस स्थान पर चित्रकला का विकास हुआ है और किस किस चित्रकला से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है तो सबसे पहले आप जानते हैं ना अजंता अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है ये आप देख सकते हैं ना किस प्रकार से कितनी शानदार तरीके से जो है चित्रकारी की गई है हालांकि आपको अभी इस फिगर में स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप जब अजंता जाओगे ना बहुत शानदार वहां पर चित्रकारी की गई है आज भी वहां पर संरक्षण किया गया है क्लियर है तो यहाँ पर चित्रकला में हम लोग बात करते हैं की में, तो माता और शिशु और मरणासन राजकुमारी ऐसे चित्र हैं जिसमें लगता है कि हमें के यार चित्रकार हो थे उस समय के बहुत ही क्वालिटी वाले थे उन्होंने अपनी चित्रकला के माध्यम से भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित कर दिया जैसे मैं हूँ अगर मेरी कोई चित्र मेरा कोई चित्र बनाता है ठीक है ना चित्रकार तभी अच्छा चित्रकार माना जाता है जब वो मतलब विषय को समझा दे अच्छी तरीके से कि भाई कोई भी नॉर्मल इंसान उस चीज को देखे तो वो समझ जाए कि भाई हाँ ये चित्र बोल क्या रहा है यही चित्रकारी होती है तो अजंता में जितने भी प्रकार जितने भी प्रकार के चित्र मिले हैं वो बहुत ही क्वालिटी वाले चित्र देखने को मिले हैं आपको ठीक है ना बौद्धि सत्व पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध प्राय

बी एस लाइव इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से आप मुझे हर एक प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं चलिए इसके बाद हम लोग मोहरों की बात करते हैं मोहरों से हमें किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इतिहास को जानने में हमें क्या जानकारी मिलती है तो भाई साहब देखो आपको पता है हमारे भारत देश में बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई हैं जैसे कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो मोहरें प्राप्त हुई हैं है ना उसका इस्तेमाल विनिमय के लिए थोड़ी किया जाता था यानी कि आप जानते हैं ना आप पैसा देते हो और सामान लेते हो उस समय पर मोहरों का उपयोग सील के रूप में किया जाता था ठीक है ना किसके रूप में सील ठोकने के रूप में लेकिन आगे आने वाले समय में मोहरों का उपयोग जो है वो किसके रूप में विनिमय के रूप में किया जाने लगा आप दो आप दो दिना रहे दो हम आपको एक किलो दूध देंगे अब आप देखिए हम लोग बात करते हैं अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है देखो मोहरों से हमें क्या जानकारी मिलती है मोहरों से हमें व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है मोहरों से हमें धर्म के बारे में जानकारी मिलती है धर्म के बारे में कैसे धर्म के बारे में ऐसे जानकारी मिलती है क्योंकि सिक्कों पर जो मूर्तियां बनाई गई थी गरुड़ की विष्णु की इंद्र की या फिर पेड़ों की सांप की तो इससे हमें मालूम चलता है कि उस समय के लोग ये सांप की पूजा करते थे प्रकृति की पूजा करते थे है ना इसी प्रकार से हमें मोहरों के बारे मोहरों के माध्यम से आर्थिक जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है तो मोहरों से हमें समझ में आता है कि उस समय का व्यापार कैसा था उस समय का धार्मिक आ, समाज कैसा था आर्थिक जीवन किस प्रकार का था इसी प्रकार से हमें बहुत सारी जानकारी मोहरों के माध्यम से प्राप्त होती है आप जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरें मोहरों में बने धार्मिक प्रतीकों से उनके धार्मिक अवस्थिति का ज्ञान होता है तो उनमें हड़प्पा सभ्यता में जो वो पाई गई हैं मोहरें उसमें हाथी uh, एक श्रृंगी जो आपका जानवर है वो इसके अलावा मातृदेवी इन सब की जो है उसमें स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है इससे हमें समझ में आता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी की पूजा करते होंगे एक श्रृंगी जो आपका जानवर है उसको वो पवित्र मानते होंगे इसके अलावा प्रकृति पूजा करते होंगे तो ये हैं आपकी मोहरें और इस प्रकार मोहरों से हमें मालूम चलता है कि किस प्रकार की किस प्रकार के किस प्रकार की हमारी सामाजिक धार्मिक और आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां थी इसके बाद हम लोग अब आते हैं साहित्यिक स्रोत एक बार मुझे फिर से बताइए हम लोगों ने किस किस की बात की थी पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोगों ने पुरातात्विक साक्ष्य में स्तंभ की बात की थी हम लोगों ने अभिलेख की बात की थी हम लोगों ने स्मारक भवन की बात की थी हम लोगों ने सिक्के की बात की थी हम लोगों ने हम लोगों ने सिक्के की बात की थी हम लोगों ने मूर्तियों की बात की थी हम लोगों ने चित्रकला की बात की थी मोहरों की बात की थी साहित्यिक स्रोत की बात की थी दो मिनट आप होल्ड करना बस दो मिनट रुको बस अभी कोई दिक्कत हो रही है क्या आप सभी लोगों को एक बार मुझे बता दो सभी को ठीक ठाक है ना क्यों सात बजे क्लास होती है किसी को कोई दिक्कत है देखो रेस्ट करना होगा मैं रेस्ट कर लूंगा ठीक है ना अभी मैं ठीक ठाक हूँ है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद छोड़ के चला जाऊँगा है ना ओके सर स्लाइड नहीं देख रही है स्लाइड नहीं दिख रही है क्या स्लाइड कहाँ से देखेगी आपको अभी तो मुझे स्टार्ट करने दो देखो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना तो चलने दो जब मुझे लगेगा तब मैं रेस्ट कर लूँगा ठीक है ना हाँ ये क्लास आपकी डेली डेली होगी ये क्लास आपकी डेली होगी और क्लास आपकी तीन घंटे की होगी है ना ये क्लास आपकी मैराथन है आप कमेंट बॉक्स पर ना ध्यान देते हुए अब मैं वापस अपने कंटेंट पर आता हूँ ठीक है ना ओके चलिए नहीं क्लास तो आपकी सुबह ही रहेगी क्लास हम लोग शाम को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं ठीक है ना और जो भी प्रॉब्लम होगी ना तो मैं खुद चला जाऊंगा आपको इतना चिंता करने वाली बात नहीं है आप इतना चिंता करते हो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का है ना आप इतना सोचते हो ओके मेरी बात सुनिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगा चिंता मत कीजिए यार मुझे ज़्यादा फिक्र है अपनी है ना अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको पढ़ाएगा कौन आपके सपनों को साकार कौन करेगा है ना प्लीज़ सर क्लास को छः ए एम पर कर दो प्लीज़ हाँ अगर लगेगा तो छः सिक्स ए एम पर भी मैं कर दूंगा पी डी एफ कहाँ मिलेगी पी डी एफ आप एक बार कमेंट बॉक्स में इन बच्चों को बता दीजिए पी डी एफ कहाँ मिलती है मेरा ही नाम है भूपेंद्र सिंह दिनकर इसी नाम से आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको पी डी एफ में आज डाल दूंगा सारी की सारी पी डी एफ पड़ी हुई हैं फाइल्स में आप जाओगे तो सब पी डी एफ आपको मिल जाएंगी है ना कमेंट बॉक्स में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप प्लीज़ उनको बताइए मैं कमेंट बॉक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकता हूँ ना वरना प्रॉब्लम आती है बच्चों को समझाने में है ना ओके okay, ठीक है अगर मुझे लगेगा तो मैं खुद सेशन छोड़ के चला जाऊंगा तबीयत खराब होगी तो अभी मैं कंफर्टेबल जोन में हूँ ठीक है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे अभी ओके okay, आप सभी का बस सपोर्ट चाहिए आपसे देखो आपसे बिना मिले तो मैं खुद रह नहीं सकता हूँ आप जानते हैं आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है जैसे कि हमारी YouTube पर क्लास नहीं हो रही थी तो हमने अपने प्लेटफॉर्म पर ही क्लास स्टार्ट करी है ना मिलने का मन तो आपसे मेरा बहुत होता है क्लास नहीं होती है तो मेरा खुद का मन ही लगता है एक जुड़ाव आप लोगों से हो गया है ना? ओके ठीक है चलिए देखो मेरे एग्ज़ाम सॉरी मेरी तबीयत से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपके एग्ज़ाम एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस पूरा हो जाए हिस्ट्री में कम से कम ये कॉन्फिडेंस से तो आप कह सको कि हम लोगों ने भाई और का और का तो हमें पता नहीं लेकिन हाँ हिस्ट्री में हमें कॉन्फिडेंस आता है है ना और जो भी बच्चे पढ़े हैं उनको तो वैसे भी मालूम है कि भैया हिस्ट्री में तो उनको कॉन्फिडेंस आता है है ना ओके चलिए हम लोग अब स्टार्ट करें वापस चलिए ठीक है अब हम लोग साहित्यिक स्रोत में बात करते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा था आपको याद है मैंने आपको साहित्यिक स्रोत में आपको बताया था क्या बताया था मैंने साहित्यिक स्रोत में आपको एक मैंने आपको गैर धार्मिक स्रोत बताए थे एक मैंने आपको धार्मिक स्रोत बताए थे धार्मिक स्रोत में मैंने आपको बौद्ध जैन और ब्राह्मण याद है याद है या फिर नहीं है उन्हीं की बात हम लोग कर रहे हैं इसी प्रकार से हम लोग गैर धार्मिक में आ, मुद्रा राक्षस चाणक्य का अर्थशास्त्र इसी प्रकार से विदेशी विवरण और विदेशी विवरण में आप जानते हैं ना मैंने क्या बताया था आपको विदेशी विवरण में अः इत सिंह इंडिका इसी प्रकार से समय समय पर बहुत सारे विदेशी यात्री आए और इन्होंने हमारे इसके बारे में जानकारी दी हमारे इतिहास हमारे भारत देश के बारे में जानकारी दी तो साहित्यिक स्रोत के माध्यम से भी हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है चलो ठीक है अब आप समझिए साहित्यिक स्रोत तो साहित्यिक स्रोत में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं साहित्यिक स्रोत में हम लोग धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं किसका अध्ययन करते हैं हम लोग लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य का हम लोग अध्ययन करते हैं तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है किसकी ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथ यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ के बाद जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है ठीक है अब ये कौन कौन से हैं इनको आप समझिए हम लोग बात कर रहे हैं वेद हम लोग बात कर रहे हैं उपनिषद हम लोग बात कर रहे हैं रामायण हम लोग बात कर रहे हैं महाभारत हम लोग बात कर रहे हैं पुराण हम लोग बात कर रहे हैं स्मृतिगंथ तो इन सभी के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है इसके बारे में हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय का इतिहास किस प्रकार का रहा हो जबकि ग्रंथों में हमें बौद्ध जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख मिलता है आप जानते हैं कि भैया ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ऑब्वियसली उस समय पर जो ब्राह्मण धर्म है वही वर्चस्व में था समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो हिंदू धर्म को मानता था लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं के मौर्य वंश का विकास होता है है ना वैसे ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो हैं है, मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी क्रूतियाँ जुड़ गई थी जिसकी वजह से समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो बौद्ध और जैन धर्म अपनाने लग गया ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फिर से मैं आपको पढ़ाऊँगा बहुत ही मजा आएगा आपको तो देखिए आप तो सबसे पहले हमें इस प्रति पुराण महाभारत उपनिषद और वेदों से हमें जानकारी मिलती है उसके बाद हम लोग ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की बात करते हैं तो बौद्ध और जैन साहित्यों से हमें जानकारी मिलती है तो बौद्ध ग्रंथों में आप जानते हैं ना विनय पीटक अभिदंब पीटक सुधपीटक ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण है लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों जीवनियां यात्रा वृत्तांत कल्पना प्रधान गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है ये गल्प साहित्य क्या होता है गल्प साहित्य आपने पढ़ा है कभी गल्प साहित्य आपने पढ़ा है कभी गल्प साहित्य इनका अलग अलग विवरण इस प्रकार है तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं अब देखो इसमें काफ़ी मजा आएगा आपको, आपको आपको समझ में आएगा कि वेद क्या होते हैं आ, इसके बाद वेदांग क्या होते हैं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद क्या होते हैं ये सभी चीज़ें आपको शायद पहले पता ना होगी लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ है ना सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले वेदों का निर्माण हुआ था और वेदों में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेदों में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था आप मुझे बताओगे फटाफट सिंपल सा क्वेश्चन है यार जल्दी से बता दो तो भैया ऐसा है कि वेदों से हमें जानकारी किसके बारे में मिलती है वेदों से हमें जानकारी मिलती है कि आर्य जो हमारे भारत देश में आए थे कहाँ से आए थे इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकार हैं वो अलग अलग अपना मत निकालते हैं तो भैया आर्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है किस प्रकार का उनका समाज था किस प्रकार की उनकी आर्थिक व्यवस्था थी और किस भगवान को वो लोग माना करते थे तो इन सब के बारे में जानकारी हमें मिलती है किसके बारे में किसके माध्यम से वेदों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है वेदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है यह है आपके वेद तो वेदों से हमें जानकारी मिलती है क्या वेदों से हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में जानकारी मिलती है हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है आर्यों का जीवन किस प्रकार का था आर्यों का समाज किस प्रकार का था ठीक है ना आर्य किस प्रकार से व्यापार वाणिज्य करते थे युद्ध किस प्रकार से करते थे इसी प्रकार से वेदों की संख्या कितनी है चार है सबसे पुराना कौन सा है ऋग्वेद है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि ऋग्वेद का निर्माण उस समय पर किसने किया था ये बताओगे मुझे आप ऋग्वेद का निर्माण उस समय पर किसने किया था Uh, किस समय पर हुआ था कालखंड कौन सा है तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद उसके बाद सामवेद उसके बाद अथर्वेद अब थोड़ी थोड़ी सी जानकारी इन सब वेदों के बारे में ले लेते हैं हम लोग ठीक है ना तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों में सबसे पहला है आपका ऋग्वेद ऋग्वेद का जो विकास है लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था आर्यों के आगमन के समय पर हुआ था ठीक है ना कब हुआ था आर्यों के आगमन के समय पर हुआ था अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको विश्वास होगा कि हम लोग भाई साहब जो भी कर रहे हैं बहुत शानदार कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको जिस दिन मैं आपको ये कोर्स करवा दूंगा एशियंट मीडियेल और आपका आधुनिक भारत का इतिहास उस समय पर दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन होगा आप मेरे पास लेकर आना या फिर आप आपके पास क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से बना सकते बस सिस्टम ये है कि आपको आपको सिर्फ और सिर्फ जो है रिवीजन पर फोकस करना है किस पर रिवीजन पर फोकस करना है आप चलो ठीक है ऋग्वेद पे हम लोग बात करते हैं ये ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है सबसे प्राचीनतम सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था ऋग्वेद का ये एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है ऋचाओं का मतलब क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरा बता जरा थोड़ा सा होगा देखो इसमें दस मंडल हैं दस मंडल में एक सूक्त हैं एवं इसमें कितनी ऋचाएँ हैं दस ऋचाएं हैं इसमें ठीक है ना याद मत करना कभी नहीं पूछेगा आपसे वो याद हो जाए तो अच्छी बात है नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ओके okay. इस बात को हमेशा ध्यान रखना इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग हॉर्थ बोलते हैं इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग क्या बोलते हैं हॉर्थ अच्छा ये ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग हॉर्थ बोलते हैं आप मुझे ये बता दो यजुर्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उसको हम लोग क्या किस मतलब किस नाम से हम लोग जानते हैं ये मुझे बता दो अभी जस्ट मैं आपको बता ही दूंगा ऑब्वियसली जब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट जल्दी ऋग्वेद पंद्रह ईसा पूर्व से एक ईसा पूर्व है ना इसी की तो हम लोग बात कर रहे थे तो ऋग्वेद का जो पहला एवं दसवा मंडल है सबसे अंत में जोड़ा गया था बहुत ही शॉकिंग है ना है या फिर नहीं है है ना ऋग्वेद का पहला एवं दसवा मंडल जो है सबसे अंत में जोड़ा गया था यह काफी महत्वपूर्ण है इसलिए हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए आपका ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी कि हम लोग बात करें सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है किस तरह मंडल में है ये गायत्री मंत्र गायत्री मंडल गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है ये सूर्य देवता सविता को समर्पित है सूर्य देवता सविता को समर्पित है ध्यान रखना हमेशा काफी महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र अब नवा मंडल जो है नवा मंडल ये सोम सोम से संबंधित है इसमें सोम का जो है वर्णन किया गया है दसवां मंडल जो है ये चातुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है चातुर्वर्ण यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और

वेदों को वेदों में बहुत ही जटिल भाषा है वेदों की संस्कृत भाषा बहुत ही जटिल है आम जनता है इस बात को नहीं समझ पाती है जिस प्रकार से संविधान में बहुत सारे आर्टिकल हैं आर्टिकल को आम जनता नहीं समझ पाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है क्या करती है व्याख्यायित करती है उसी प्रकार से भैया ये जो बाद में ब्राह्मण ग्रंथ बने थे ना ये वेदों की सरल व्याख्या करते थे और यहीं से कुरूतियाँ आना स्टार्ट हुई अब देखो संविधान में बातें कुछ और लिखी हुई हैं अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से संविधान को की व्याख्या करता है उसी में तो जटिलता आती है है ना इसी प्रकार से हमारे भारत देश में जो रूढ़ीवादी चीजें जुड़ना स्टार्ट हुई ना वो वेदों की गलत व्याख्या से ही स्टार्ट हुई हमारे वेद बहुत बहुत शानदार हैं ही साइंटिफिक चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन बाद में क्या हुआ आप मुझसे जुड़े हुए हो तो आप जानते ही हो तो चलो ठीक है एक नोट है ये हमेशा ध्यान में रखना संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है इसमें इसमें शामिल किया गया ठीक है ना ये कोड है ये कोड हमेशा ध्यान में रखना बी एस लाइव ये मटक बहुत ज्यादा रहा है भूपेंद्र सिंह ई लाइव e. टेलीग्राम ग्रुप क्या है एक बार कमेंट बॉक्स में सभी को बता दो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था शायद आपको याद हो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यजुर्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित कौन होता है बताओगे जल्दी फटाफट बताओगे चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसमें यजुर्वेद मैंने आपको बताया था ये जो ऋग्वेद थे ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और ऋग्वेद जो है ऋचाओं से संबंधित है, है ना यजुर्वेद किससे संबंधित है यजुर्वेद में यज्ञ जो होते हैं यज्ञ के नियम काफी महत्वपूर्ण है मतलब यज्ञ कैसे करना है, है ना यज्ञ यज्ञ के नियम कौन कौन से होने चाहिए पहले क्या होगा बाद में क्या होगा किस जानवर की बलि चढ़ाना है कब बलि चढ़ाना है है ना ये सारी की सारी चीजें यजुर्वेद में दी गई हैं इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं इसे हम लोग कर्म वेद के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से जानते हैं हम लोग कर्म वेदों के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से कर्म वेदों के नाम से भी हम लोग जानते हैं यजुर्वेद पद यजुर्वेद पद एवं गद्य दोनों में है और मुझे ये बताओ कि ऋग्वेद पद्य में है या फिर गद्य में है मैंने आपको बताया था ठीक है तो भैया यजुर्वेद के दो भाग हैं कौन कौन से एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद याद मत करना जहाँ पर मैं कहूँगा ना इसको याद करना है तो उसी को याद करना ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है अभी मैंने आपसे कुछ कहा है क्या इसको याद करना तो नहीं एक बार बस आपको समझना है जहाँ से मैं बोलना स्टार्ट कर दूँ ना कि भैया इसको याद करना है याद नहीं करना है रटना है तो उसको भैया रट मारना अच्छी तरीके से समझ में आया नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में ठीक है ना तो ध्यान रखना ये शुक्ल यजुर्वेद हम लोगों ने यजुर्वेद को दो भागों में बांटा एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है ये केवल पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद ये आपका गद्य और पद्य में है ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को अर्धवायु अर्धवियु बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने सही आंसर दिया लेकिन 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 बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया ठीक है अब मुझे ये बताओ कि ऋग्वेद पढ़ने वाले पुरोहित को हम लोग किस नाम से जानते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया देखता है देखते हैं कि आपको याद रहता है या फिर नहीं रहता है देखते हैं आपको याद रहता है या फिर नहीं रहता है ये आपको बताना है ठीक है साथ साथ में हाँ ये जो चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि इसको याद कर लेना तो याद कर लेना भाई साहब ठीक है ना थोड़ा सा है ना ओके चलिए यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं तो ये है आपके यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद कठोपनिषद के बारे में आपको पता है ना एक आ, याद नहीं आ रहा है मुझे यार उसमें दो लोगों का जो है वो संवाद दे रखा है यानी क्या नाम है उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कठोपनिषद है छोड़ो कठोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया है ऐसा है ना कुछ ऐसी चीजें हैं ईशोपनिषद श्वेता शरोपनिषद और मैत्राणी उपनिषद ये आपके कितने यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईश्वास्य उपनिषद है कौन सा है इसका इसका संबंध किससे है इसका संबंध आपका आध्यात्मिक चिंतन से है किससे संबंधित है इसका आध्यात्मिक चिंतन से यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं एक है आपका सतपथ और एक है आपका तेतृय अच्छा आप मुझे यह बताओ कि भाई साहब इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा या फिर नहीं छूटेगा आप मुझे बताओ कोई 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 क्वेश्चन छूटेगा आपको लगता है इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद भी कोई क्वेश्चन छूट जाए लगता है कि आपको अगर अभी भी आपको लगता है कि इसके बाहर क्वेश्चन छूट जाएगा तो दुनिया का कोई सा भी बड़ा स्टूडेंट होगा ना उससे भी छूटेगा वो सबके लिए नया होगा मैंने हर चीज को यहां पर जो है आपके लिए कवर करवा दिया है चिंता मत कीजिए सब चीज कवर हो चुकी है आपकी सब चीज है ना मुंडको उपनिषद से लिया है कठोपनिषद में यार एक कुछ ना कुछ विशेषता तो है यार है ना एक बार मुझे बता दो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं काफी महत्वपूर्ण चीज है आप सभी लोगों के लिए हम लोग बात करते हैं श्याम वेद की हम लोग किसकी बात करते हैं श्याम वेद की सबसे पहले ऋग्वेद आया उसके बाद क्या आया यजुर्वेद आया उसके बाद श्याम वेद आया अच्छा मुझे अब बता दो सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला यानी सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को हम लोग किस नाम से जानते हैं सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को हम लोग किस नाम से जानते हैं अभी तो मैंने आपको बताया यजुर्वेद यजुर्वेद के लिए कौन है हुँ? आपने भी बताया था ऋग्वेद के लिए कौन है? है ना अब सामवेद के लिए कौन है ये बता दो मेरे को मैं तो अभी जस्ट आपको बता ही दूंगा साम का अर्थ क्या होता है गान होता है क्या होता है गान होता है और यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है जब हम लोग यज्ञ करेंगे तो भैया कुछ ना कुछ तो हम लोग गाएंगे ना आपने अपने घर में भी कुछ ना कुछ यज्ञ करवाए होंगे है ना तो आ, उसमें कुछ ना कुछ गाते हैं पंडित जी वगैरह कुछ, कुछ ना कुछ गाते हैं तो भैया वो सामवेद से ही लिया गया है और संगीत की जो शुरुआत हुई है ना ये जो आप हिमेश रेशमिया हनी सिंह वगैरह ये जो देखते हैं गाने वाने ठीक है ना तो इनकी शुरुआत करने वाला कौन है वो सामवेद है ठीक है तो भैया सामवेद से ही गान की शुरुआत होती है गाने की शुरुआत होती है ये सारे गामा पा वगैरह ये सब चीज़ें वहीं से निकली हैं ठीक है ना तो यज्ञों में हम लोग जो मंत्र का उच्चारण करते हैं वो मुख्य रूप से हम लोग सामवेद से ही वो जुड़े हुए हैं ठीक है ना कुल मिलाकर भारतीय संगीत का इसे हम लोग जनक भी बोलते हैं ये सारे गामा पादा निशा इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसकी उत्पत्ति हमारी सामवेद से हुई है ठीक है ओके ओ, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा भारत देश कितना महान है हमारे वेद कितने महान हैं बाद में ये पूर्व बाद में ये पश्चिमी देशों में चला गया फिर गाने वाने फिर ये जस्टिन बीबर वगैरह ये सब चीज़ें निकल के आई हैं क्लियर है हमारे भारत देश में तो शामववेद कितने पुराने हैं और उसी में ही सारे गामापा इसकी उत्पत्ति हुई है और पूरे संगीत की उत्पत्ति किससे हुई है वो सारे गामापा दानीसा से हुई है ठीक है वो बात अलग है देखो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपसे पूछा था कि सामवेद के मंत्रों को गाने वाले इंसान गाने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं वो बोलते हैं और इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं ठीक है ना कि, किसके हैं सूर्य ठीक है ये चीजें हो गई हैं आपकी और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप ध्यान रखना तो सामवेद में मूल रूप से कितने हैं निन्यानवे बाकी हम लोगों ने कहा से ले लिए ऋग्वेद से आप जानते हैं ऋग्वेद में रिचाये हैं कितनी रिचाएं हैं मैंने आपको बताया था बता दीजिए कितनी रिचाए हैं एक हजार एक हजार सॉरी कितनी है दस हजार पांच सौ अस्सी याद करनी है सर बिल्कुल भी याद नहीं करनी है सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदज्ञो तथा जैमनीय है कौन कौन से हैं छंदज्ञो और जैमनीय ध्यान रखना पूछ लेगा आपसे इसी प्रकार से सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है पंचविश ब्राह्मण और षडविश ब्राह्मण अब आप बोलोगे सर के ये सभी चीज़ें हमें याद कर रही हैं तो यार कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमें याद करनी पड़ेंगी ना अगर आपको एक्स्ट्रा देखो एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आने हैं अगर आपको एवरेज स्टूडेंट से बाहर निकलना है है ना तो आपको एक्स्ट्रा ही तो करना पड़ेगा ना जैसे कि एवरेज सभी लोग एंशंट मीडिएबल आर्ट एंड कल्चर सभी लोग पढ़ते हैं तो आपका कंटेंट पर कितना अच्छा कमांड होगा वो सभी लोगों से आपको आगे ले जाएगा है ना अगर आपको एक्स्ट्रा बनना है तो आपको मेहनत भी तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना तो भैया अगर आपको लगता है तो आप याद कर लीजिए है ना अगर हो सकता है कि है ना अगर आपको लगता है कि या, मतलब याद कर सकते हो याद कर लीजिए पर आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछता नहीं है वो जहाँ से मैं कहूँगा ना वहाँ पर आपको फोकस करना है और जहाँ जहाँ मैं कि इसको रट लो तो रटरी रट रटना ही सही है उसको है ना उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं ठीक है समय समय पर मैं आपको बताता रहूंगा मैं तो ये सब चीजें इसलिए करवा रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं आप ये ना बोलो कि सर ने करवाया नहीं देखना ईमानदारी से सब क्वेश्चन आएंगे आपके चलिए इसके बाद आता है अधर्वेद। ये आपका सबसे लास्ट वाला है काफी महत्वपूर्ण है इसकी रचना किसने की थी इसकी रचना अथर्व या फिर अंगीरस ऋषि के द्वारा की गई थी तभी तो इसका नाम क्या पड़ा है इसका नाम अथर्वेद पड़ा है और सभी ग्रंथों के बाद इसकी रचना हुई थी सबसे लास्ट का सबसे 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 नया ग्रंथ सबसे नया वेद कौन सा है ये है ठीक है ना इसीलिए मंत्र है, है, हैं छह हजार मंत्र हैं और आप ध्यान रखना इसमें ब्रह्म ज्ञान धर्म समाज निष्ठा औषधि प्रयोग रोग निवारण जादू टोना तंत्र मंत्र इन सभी के विषयों में जानकारी मिलती ठीक है ना किसके विषय में जानकारी मिलती है रोग जादू टोना तंत्र मंत्र निवारण ब्रह्म ज्ञान अरे यार आपको ये एक बात पता है कि यही अथर्वेद से ही धीरे धीरे जो है रूढ़ीवादी चीजें जुड़ना स्टार्ट हुई है क्लियर है ये जादू टोना तंत्र मंत्र अगर आप ऋग्वेद को देखोगे तो ये सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा ग्रंथ है फिर यजुर्वेद आएगा उसमें भी धार्मिक कर्मकांड बन जाएंगे उसमें यज्ञों के नियम बन जाएंगे और जहाँ पर नियम बनते हैं आप समझ सकते हैं वहाँ पर रूढ़ीवादी चीज़ें जुड़ जाती हैं क्योंकि जो चीज़ें सिंपल तरीके से काम हो सकती हैं उसके लिए नियम का है नियम कायदे कानून काहे लागू करना है कि नहीं है यजुर्वेद फिर शाम वेद फिर उसके बाद अथर्वेद क्लियर है आप समझिए अब आगे हम लोग जब ब्राह्मण आरण और उपनिषद पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई किस प्रकार से शूत्रों की स्थिति में गिरावट आई किस प्रकार से जाति व्यवस्था जो है वर्ण आधारित सॉरी सो, जाति व्यवस्था जो है वो जन्म आधारित ना होते हुए सॉरी कर्म आधारित ना होते हुए जन्म आधारित बन गई ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है चलो ठीक है आगे हम लोग और भी बात करते हैं तो भैया अथर का एक ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है गोपथ है ध्यान रख ले ध्यान रख लेना आपसे शायद हो सकता है कि मैचिंग मैचिंग उपनिषद याद रख लोगे याद रहता है आप सभी लोगों को एक बार कमेंट बॉक्स में आता हूं वो देखता हूं के हाल चाल क्या है आप लोगों के एक बार कमेंट बॉक्स में देख लेता हूं कि हालचाल क्या है सभी के हालचाल ठीक है ना चलो बढ़िया है हाल चाल बढ़िया अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको हाँ? आ रहा है ना मजा आवाज भी ठीक आ रही होगी कृषि तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अगर मुझे लगेगा ना कि मुझे नहीं अभी पढ़ाना चाहिए तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा ठीक है ना मेरी तबीयत ठीक है अभी अभी पढ़ा सकता हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है ना क्लियर है ओके बैठे बैठे ही तो पढ़ा रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है चलिए तो टेंशन मत लीजिए सब कुछ क्लियर होना चाहिए साथ साथ में मेरे चलिए जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा तो भैया क्वेश्चन का जवाब आप देना है ना चलिए मुंडको उपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य अभी आप अभी कुछ बच्चे हैं उन्होंने कहा भी था सत्यमेव जयते मैं गलत बोल रहा था लेकिन सत्यमेव जयते है वो कठोपनिषद से नहीं लिया गया है कहां से लिया गया है वो लिया गया मुंडको उपनिषद से कहां से मुंडको उपनिषद से और इसी में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है आप सभा और समिति के बारे में जानते हैं ना मैंने आपसे कहा था जिस प्रकार से वर्तमान समय में जिस प्रकार से वर्तमान समय में लोकसभा और राज्यसभा होती है ना और लोकसभा और राज्यसभा जो होती है भाई लोकसभा में जो बहुमत का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है ये व्यवस्था जानते हैं ना उसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सभा और समिति लोकसभा और राज्यसभा के बराबरी थी ठीक है ना तो राजा का चुनाव होता था राजा अगर तानाशाही बन जाया करता था तो सभा और समिति उसको हटा भी दिया करती थी ठीक है ना फिर तो आप जानते हैं उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का अस्तित्व खत्म होने लग गया और क्योंकि राजा उस समय पर मजबूत हो गया राजा के पास पैसा आ गया उसके पास हथियार आ गए उसके पास विशाल क्षेत्र आ गया ठीक है ना तो धीरे धीरे जो जनतंत्र था लोकतंत्र था हमारा वो किसमें चेंज हो गया राजतंत्र में तो हमारी सभ्यता पर आपको जो है गर्व करना चाहिए क्लियर है ये हमें लोकतंत्र सिखाते हमारे भारत देश में लोकतंत्र तो बहुत पहले से ही था हमारे भारत देश में लोकतंत्र तो बहुत पहले से ही था आज से नहीं है बहुत पहले से ही था गर्व करना चाहिए आपको क्या आप हो गर्व करना चाहिए आपको कि आपने भारत जैसे देश में जन्म लिया है हमारी सभ्यता बहुत आगे है जब जब भी हमने अपने आप को हीन समझा है ना तब तब हम लोग हीन बन चुके हैं यानी कि हमारे भारत देश की जनता जब हीन समझा अपने आप को अपनी संस्कृति को बहुत ही हीन समझा तो आप आपने देखा है कि हमारी दशा क्या हुई थी अंग्रेजों के टाइम पर हमारी सभ्यता कितनी आगे थी देख लीजिए आप ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति जैसी व्यवस्थाएं थी हमारे भारत देश में जो आज के समय में लोकसभा और राज्यसभा होती है क्लियर है गर्व करना चाहिए चलो ठीक है इन चार वेदों को संहिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं ठीक है ना संहिता पूछ लिया जाए वेद पूछ लिया जाए तो क्या क्या बोलोगे आप कि भाई साहब वो है आपका वेद ठीक है अब इसके बाद ब्राह्मण आरण्यक और, और उपनिषद है। है आपके बनते हैं मेरा कोड क्या है कोड आप ध्यान रखना बी एस लाइव जब भी आप जब भी आप अन अकेडमी के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाए है ना मतलब अन अकेडमी का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले बी एस लाइव कोड का यूज करते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ना चलिए हम लोग बात कर रहे हैं ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद और टेलीग्राम ग्रुप क्या है एक बार कमेंट बॉक्स में सभी को बता दीजिए मेरा ही नाम है भूपेंद्र सिंह दिनकर क्या नाम है मेरा भूपेंद्र सिंह दिनकर इसी नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा <coughs> और रोज आपको पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है ना चलिए हम लोग बात कर रहे हैं ब्राह्मण आर्यणक और उपनिषद तो भैया संहिता के पश्चात संहिता का मतलब आप जानते हैं ना संहिता को ही हम लोग वेद बोलते हैं

ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का स्थान है यानी कि वेदों के पश्चात ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का स्थान है अब ये ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद है क्या चीज ये तो भैया इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है किसके विषय में हमें जानकारी मालूम होती है उत्तर वैदिक काल में समाज के बारे में कि समाज किस प्रकार का था हमारा जाति व्यवस्था थी या फिर नहीं थी जाति व्यवस्था थी तो वो वर्ण आधार वो वो जन्म आधारित थी या फिर कर्म आधारित थी ठीक है ना इसी प्रकार से हमारी संस्कृति किस प्रकार की थी ये सारी जानकारी हमें ब्राह्मण आरणक और उपनिषद से मिलती है ठीक है तो ये आप समझे ना कि वेदों के बाद आए और वेदों को हम लोग संहिता के नाम से भी जानते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं देखो मैंने आपको क्या बताया था ये जो संहिता है ये जो वेद है वो किस में लिखे गए थे वो लिखे गए थे आपके पद्य में तो यार पद्य को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना आम जनता के लिए हो जाएगा ना आम जनता के लिए समझना काफी मुश्किल हो जाएगा अब संविधान की बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज आम जनता को समझाई जाए या फिर आम जनता खुद पढ़े तो कभी समझ नहीं पाएगी द हिंदू का पेपर आप किसी नॉर्मल इंसान को दे दो समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा ना तो भैया वेदों को और संहिता को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद का निर्माण किया तो ये तो समझ में आ गया ना कि ब्राह्मण उपनिषद और आरण्यक का हम लोगों ने क्यों निर्माण किया ठीक है अब आप समझिए प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए जो तालिका में क्रमशः उल्लिखित है याद करना है मैं बता रहा हूं इसको रटना है किसको रटना है अभी जो मैं बता रहा हूं उसको रटना है अभी जो मैं बता रहा हूं उसको रटना है, उसको रटना है। अब याद रखोगे ना <coughs> इस टेबल को रटना है देखो यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद अथुर्वेद यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद अथुर्वेद ऋग्वेद के कौन कौन से आपके वो हैं ब्राह्मण ग्रंथ तो ऋग्वेद के हैं आपके एतरेय और कोशित ठीक है क्या है एतरेय और कोशित की कोशित की ये की आपका अलग नहीं है की आपका जुड़ा हुआ कोशित की कोशित की आपका जुड़ा हुआ है एतरेय एवं कोशित की ब्राह्मण यजुर्वेद ये है आपका शतपद और तेतरीय ब्राह्मण शामवेद पंचवेश और षडवेश और अथर्वेद गोपद ब्राह्मण याद रहेगा ना इसको रटना है क्या करना है इसको रटना है हो जाएगा ना हो जाएगा सर सर जी बहुत लोग पढ़ने आते ही नहीं उसे कौन पढ़ेगा सर जी इतना कटनिस्ट शब्द को यार मैं आपको एक चीज़ बताऊं ना देखो सिलेक्शन लेने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं और वो वाकई में मेहनत करते हैं और जो सिलेक्शन नहीं लेने वाले लोग होते हैं ना वो ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं जितने भी बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है उनको हिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आता है बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनका नाम मुझे पता है मैं चार महीने से यूट्यूब पर नहीं आया था लेकिन चार महीने तक मैं पेड कोर्स में और स्पेशल क्लास में था वहां पर भी आप लोग आ सकते थे लेकिन नहीं आए आधा कोर्स मेरा करना है आधा कोर्स किसी और का करना है मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा कोर्स आप कंप्लीट करो है ना आप जो भी टीचर को फॉलो करते हो ना उसको दिल जान से फॉलो करो जब तक उसका कोर्स कंप्लीट ना हो जाए ना तब तक आप उसको फॉलो करो चाहे मुझे करो चाहे कोई और को करो आधा अधूरा ज्ञान बहुत बेकार होता है आधा अधूरा ज्ञान आपने मेरा ले लिया फिर किसी और का ले लिया फिर किसी और का कुछ भी नहीं हो पाएगा यार ऐसे भटकने से कोई मतलब नहीं है है ना <laughs> चलिए मैं न्यू स्टूडेंट हूँ सर जी व्लादिमिर पुतिन जानता हूँ मैं कौन कौन है सबको जानता हूँ मैं यहाँ पर शायद आप मुझे भूल गए हो लेकिन मैं आपको नहीं भूला भूलाऊँ है ना कृतिका सिंह ऐश्वर्या कश्यप ये ऐसी हैं जो हमेशा मेरे साथ रही हैं ये दो इन्होंने एक भी लेक्चर नहीं छोड़ा है मेरा और ऐश्वर्या कश्यप की आप आंसर राइटिंग देखोगे ना विश्वास कीजिए अगर इस टाइप की आंसर राइटिंग आपने कर ली ईमानदारी के साथ बिना किसी नकल के तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है मैं आंसर राइटिंग रोज करवाता हूँ आंसर राइटिंग का ग्रुप भी है ग्रुप का नाम सेंड कर दीजिए और आप ज्वाइन हो जाइए है ना आ, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जो आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में शामिल हैं उसको कमेंट बॉक्स में एक बार आप जो है बता दीजिए बच्चों को जिससे वो ज्वाइन हो जाएंगे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं और हम लास्ट में क्या करेंगे लास्ट में आंसर राइटिंग चेक करेंगे जो भी सबसे पहले आंसर भेजेगा मैं उसके आंसर जो है चेक करूंगा क्लियर है चलिए ओके इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेदांग और सूत्र तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद कौन क्या होते हैं इसके बाद वेदांग और सूत्र तो भैया देखो ऐसा है वेदों वेदों को समझने के लिए है ना हम लोगों ने छह वेदांगों की रचना की इसको समझने के लिए वेदों को भली भांति समझने के लिए मतलब वेदों की वेदों को आसान भाषा में समझने के लिए तो देखो एक है आपका शिक्षा दूसरा है आपका ज्योतिष तीसरा है आपका कल्प चौथा है आपका व्याकरण फिर है आपका निरुक्त फिर है आपका छंद क्लियर है ओके, ओके। तो ये ये आपके क्या वेदांग? ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि में सहायक थे है ना शुद्ध उच्चारण यानी कि वेदों में जो बातें लिखी गई हैं वो क्या हैं लेकिन यहां से ही यानी कि ब्राह्मण आर्यण उपनिषद और वेदांग और सूत्र से ही हमारे भारत देश में वेदों की गलत व्याख्या होना स्टार्ट हो चुकी थी और यहीं से ही कुरुतियाँ स्टार्ट हो गई क्लियर है हमारे वेद तो बहुत शानदार हैं आपको गर्व भी होना चाहिए तभी तो दयानंद सरस्वती जी ने बोला था कि वेदों की ओर वापस लौटो वेदों में वो बात लिखी गई हैं जो बातें आज साइंटिफिक रूप से प्रूफ हो रही हैं अच्छा देखो मैंने आपको बताया था कि योग दर्शन योग दर्शन पतंजलि का काफ़ी महत्वपूर्ण है पहले सब लोग बोलते थे यार योग योग कुछ नहीं होता है जिम करो ये करो वो करो लेकिन भैया आत्मा की शांति के लिए और शरीर की शांति के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है आज 21 जून 21 जून जो कि मेरा डेट ऑफ बर्थ भी है 21 जून को विश्व योगा दिवस के नाम के नाम से भी मनाया जाता है तो विश्व में हमारी योग की महत्ता को मान लिया गया है आगे आने वाले समय में हमारे भारत देश के वेदों में जो लिखी गई बातें हैं ना उसको भी महत्व स्थान दिया जाएगा हमारे वेद अपने समय से बहुत आगे हैं क्या आगे हैं बहुत आगे हैं है ना चलिए हम लोग बात करते हैं हम लोग वेदांत सूत्र ऐसे तो यार बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे कर सकता हूँ लेकिन हमें हमें जो है थोड़ा सा लिमिट में रहना पड़ेगा ना क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें करनी भी है ओके चलिए इसी प्रकार वैदिक साहित्यों को अक्षुण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया अब जितने भी स्टूडेंट है ना सारे लाइक भी कर दो यार ठोक दो साथ साथ में क्लियर है ना बहुत दिनों के बाद हमारी क्लास हुई है ये लेक्चर अपना बहुत ऊंचा जाना चाहिए ठीक है ना धमाल मचा देना है है ना लेक्चर दिखना चाहिए मैनेजमेंट को भी कि भाई कोई मतलब समझ रहे हैं ना ना आप तो, आप तो 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 जुड़े हुए हो जानते हैं कि मेरे बीच में क्या चलता है है ना? ओके, ठीक है ठीक ठीक ओके इसी मैं तो थोड़ा विद्रोही टाइप का इंसान हूँ भाई साहब क्लियर है सीधी सी बात है गलत बात सहन नहीं होती है चलिए इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया क्या वैदिक साहित्य को अक्षुण बनाने के लिए हम लोगों ने सूत्र साहित्य का शुरुआत की श्रोत सूत्र ग्रह सूत्र धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों कर्मकांडों और राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित यार आप मुझे बताओ यार ऋग्वेदिक काल में क्या ये कर्मकांड यज्ञ इन सबको महत्व दिया जाता था नहीं दिया जाता था यार ये वेदांग सूत्र ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद यहीं से तो कर्मकांड बनना स्टार्ट हुए है ना तो तो यहीं से तो चीजें जुड़ना स्टार्ट हुई है हमारे भारत देश में जो कुरी विद्यमान हुई हैं वो यहीं से विद्यमान हुई हैं ठीक है इसके बाद हम लोग बात करते हैं महाकाव्य की तो देखिए महाकाव्य में हम लोग बात करेंगे दो चीजों की किसकी एक है आपकी रामायण और एक है आपकी महाभारत और रामायण और महाभारत से भी हम लोग नैतिक संहिता के बारे में हम लोग समाज के बारे में हम लोग धर्म के बारे में हम लोग समाज के बारे में हम लोग हर किसी चीज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे तो रामायण और महाभारत आप जानते ना रामायण रामायण में राम जी की राम जी का जो व्यक्तित्व था उनकी जो उनके जो नैतिक मूल्य हैं उनसे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है ना है ना इसी प्रकार से महाभारत महाभारत पूर्णतः कर्म से जुड़ा हुआ एक महाकाव्य है जो कर्म पर महत्ता देता है कर्म करो फल की चिंता मत करो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को कि भैया जब अर्जुन जो है मतलब बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हैं बोलते हैं कि मुझे राजपाट नहीं चाहिए और अपने भाइयों को मारने के बाद अगर राजपाट मिले भी सही तो क्या ही फायदा तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तू तो बस एक कारण है इनकी मौत तो मैंने बहुत पहले ही लिख दी है तू तो सिर्फ अपने कर्म का पालन कर तू तो सिर्फ अपने धर्म का पालन कर तू तो सिर्फ अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर बाकी यही धर्म होता है कर्म ही धर्म है अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने स्टूडेंट धर्म का पालन करो अगर मैं टीचर हूँ तो अपने टीचर धर्म का पालन करूँ हर कोई अपने धर्म का पालन करेगा ना तो इस संसार में सभी लोग खुश होंगे होता ये है कि अपने कर्म का पालन तो करते नहीं हैं दूसरों को सिखाते हैं सिखाते हैं पर नहीं सिखाते हमारे भारत देश में राय देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको चाय की टपरी पे मुखर्जी नगर में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको बता देंगे कि यूपीएससी कैसे क्वालिफाई करना है हालांकि खुद का कभी प्रीलियम्स निकला भी नहीं होगा वो आपको ये सजेशन दे देंगे इंटरव्यू में भाई साहब ऐसे जाना ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं हमारे भारत देश में मुखर्जी तो नगर में स्पेशली जो खुद घूम रहे हैं छह साल से उनका कुछ हो नहीं रहा है चलो छोड़ो तो कर्म करना बहुत जरूरी है अगर आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय धर्म का पालन करो हालांकि आज क्षत्रिय ब्राह्मण ब्राह्मण बन गए हैं बनिया क्षत्रिय है बन गए हैं बनिया शूद्र लोग बन गए हैं क्षत्रिय है। अभी तो ये सब जाति व्यवस्था धीरे धीरे जो है समाप्त हो जाएगी इंटरकास्ट मैरिज भी हो रही है लेकिन समय लगेगा थोड़ा सा है ना अभी हमारा संक्रमणशील समय चल रहा है और इसमें संघर्ष होना स्वाभाविक है आपने देखा होगा ना दलित और उच्च वर्ण इन में संघर्ष चल रहा है संघर्ष होगा ऑब्वियसली संघर्ष होगा उसके बाद क्या है समझौता हो जाएगा समझौता होने के बाद जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी लेकिन संघर्ष तो होना जरूरी है ना संघर्ष तो होगा है ना व्यवस्थाएं एकदम से चेंज नहीं होती हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है अगर बिना लड़े हुए अधिकार आपको मिल भी गए तो बहुत जल्द ही आप कुछ आपसे छीन लिए जाएंगे वो ठीक है ना चलो छोड़ो उस बात पर हम लोग नहीं आते हैं हम लोग वापस अपने टॉपिक पर जाते हैं रामायण हमारा आदिकाव्य है आदिकाव्य का मतलब बहुत ही पुराना है जिसकी रचना किसने की थी महर्षि वाल्मीकि ने की थी और इसमें हमें हिंदुओं और यवनों और शक्कों के संघर्ष का वर्णन मिलता है तो आप समझ सकते हैं ना कि हमारे देश में किस प्रकार से विदेशी यानी कि जो बाहरी आक्रमणकारी थे उन्होंने हमारे भारत देश पर आक्रमण किया किया या फिर नहीं किया किया ना चलिए ओके चलो हमें ये तो मालूम चल गया महाकाव्य के बारे में एक बात और ध्यान रखना महाकाव्य में एक महाभारत है इसकी रचना किसने की थी वेदव्यास ने और ये जो है प्राचीन भारत का हमारा समाज किस प्रकार का था हम किस प्रकार से धार्मिक गतिविधियां अपनाते थे राजनीतिक दशा इन सभी का वर्णन हमें देखने को मिलता है किसमें महाभारत में महाभारत कृष्णा किसने की थी वेद व्यास ने याद रहेगा ना याद रख लेना ठीक है ना अच्छी बात है ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है क्यों नहीं दिया जाता है क्योंकि तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें अतार्किक लगती हैं ऐसी चीजें बहुत सारी हैं जो हमें लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कपोल कल्पना है क्लियर है इसीलिए हम लोग महाकाव्य यानी कि रामायण और महाभारत को इतना महत्व नहीं देते हैं तो भैया इनके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है किसके मा... किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है अपने इतिहास के बारे में ठीक है ना आपका इतिहास बहुत ही अच्छा है आपको आपको हमेशा जो है अपने इतिहास पर जो है गर्व करना चाहिए ना ओके चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है लास्ट है ये ब्राह्मण ग्रंथ में पुराण पुराण में हम लोग बात करेंगे पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का हमें क्रमबद्ध वर्णन मिलता है काफी अच्छा सोर्स है हमें अपने इतिहास को समझने के लिए इतिहास को समझने के लिए बहुत ही बेस्ट आपका सोर्स है ये क्या पुराण पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है पुराणों की संख्या कितनी है अठारह एक दो पुराणों के नाम आप मुझे बता दो अच्छा मुझे ये बताओ कि मत्स्य पुराण जो है वो किससे जुड़ा हुआ है वायु पुराण जो है वो किससे जुड़ा हुआ है विष्णु पुराण जो है किससे जुड़ा हुआ है वायु विष्णु और मत्स्य पुराण इन तीनों के नामों वो आप मुझे बता दो किस राजवंश से संबंधित है ठीक है पुराणों के रचयता कौन है आपके लोम ये आपके रचयता और संकलन करता दोनों है उनके माना जाता है ठीक है ना पुराण कितने हैं अठारह आप मुझे बताओगे मत्स्य पुराण और वायु पुराण और विष्णु पुराण किस राजवंश से संबंधित है ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है ये मत्स्य संबंधित है ठीक है किससे है, है? सात वाहन से पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करवाते हैं गुप्त काल से प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल देखो गुप्त काल 600 सौ ईस्वी तक का है तो आप समझ सकते हैं ना पुराणों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है अपने इतिहास को समझने के लिए चलिए आगे हम लोग बात करते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुराण ही एकमात्र स्रोत हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए कौन से पुराण काफी महत्वपूर्ण है क्लियर है तो ये हमारे साहित्यिक स्रोत में जो हमारे हिंदू धर्म के जितने भी साहित्यिक स्रोत थे हम लोगों ने उसकी बात कर ली एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो हम लोगों ने कौन कौन से साहित्यिक स्रोत पढ़े हैं तो हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत में वेद पढ़े हैं वेद में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद और इसके अलावा हम लोगों ने ब्राह्मण आरण्यक वेदांग सूत्र महाकाव्य और इसके बाद हम लोगों ने पुराण पढ़ लिए अब आपको ये तो समझ में आ गया ना कौन सी चीज क्या होती है है ना वेद क्या होते हैं वेदां क्या होते हैं आता है ना बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको बहुत ही हाई लेवल पर ले जाऊंगा ध्यान रखना इस बात को बस मेरे साथ रहना सात बजे क्लास होती है और जितने भी नए स्टूडेंट आते जा रहे हैं वो लाइक करते जाएं धमाल मचाना है आज हम लोगों को है ना इतने लाइक्स दिखने चाहिए और इतने व्यूज दिखने चाहिए कि हाँ मैनेजमेंट को पता चलना चाहिए कि गब्बर इज बैक ठीक है ऑब्वियसली ठीक है चलो ओके चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य यानी कि जो आपका उत्तर वैदिक आ, मतलब सॉरी जो आपका हाँ उत्तर वैदिक काल था उसके बाद जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास के समय पर कौन कौन से साहित्य का निर्माण हुआ और बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है तो बौद्ध साहित्य की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बौद्ध साहित्य के बहुत सारे हैं ग्रंथ जैसे विनय पीटक अभिधम पीटक और कौन सा सुत सुतपीटक इनसे हमें जानकारी मिलती है ओके चलिए हाँ देखिए भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व हम लोग सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक की बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है त्रिपिटक त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए विनय पीटक पिटक और अभिधम्म पीटक अभी जब मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सुपीटक किससे संबंधित है विनय पीटक किससे संबंधित है ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा ठीक है ना त्रिपीटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है किसकी शिक्षाओं शिक्षाओं का का बुद्ध की का संकलन है तीन भाग में विभाजित करते हैं हम लोग इसको एक है आपका विनय 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 और पीटक। आप मुझे अभी बता दो में किस किससे संबंधित है सुपीटक किससे संबंधित है किससे संबंधित है जब मैं बौद्ध धर्म स्टार्ट करूंगा ना बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं विश्वास मानिए हर साल बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछता है एक बार के लिए जैन धर्म छोड़ देना लेकिन बौद्ध धर्म को हमेशा है ना कमेंट बॉक्स में साथ साथ में मेरे बताते जाइए बौद्ध साहित्य में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं विनयपीटक संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी शिक्षाओं का संग इसमें क्या है संकलन है ठीक है तो आपको समझ में आ गया विनयपीटक किससे संबंधित है संघ संघ बौद्ध और बौद्ध जो आपके संत होते हैं ना उनका एक ग्रुप होता है तो संघ में कौन कौन से नियम है कैसे खाना है कैसे पीना है कैसे सोना है कैसे आपको धार्मिक उपदेश देना है कैसे कैसे कहां पर जाना है इन सभी के बारे में जो है नियम दे रखे हैं के बारे में हम लोग बात करते हैं सुधपीटक संबंधित है धार्मिक सिद्धांत और धर्म उपदेश से ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं विनय पीटक का संबंध किससे है सुटक का संबंध किससे है और वहीं हम लोग बात करते हैं अभिधम पीटक अभिधम पीटक है वो दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है जैसे कि आप जानते हैं ना मैंने आपको बौद्ध धर्म में बताया था अष्टांगिक मार्ग आ, इस शिक्षा मतलब आप जानते हैं ना आ, जैसे कि इस संसार में दुख है दुख का कारण है दुख का निदान है दुख के निदान के लिए आप अष्टांगिक मार्ग अपनाओ सम्यक दृष्टि सम्यक कर्म सम्यक समाधि सम्यक आजीव सम्यक ये सभी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं यार है ना अभी मैं एडवांस लेवल पर लेकर आया हूँ इन सब चीज़ों को जिससे कि आप का कोई सा भी क्वेश्चन ना छूटे है ना चलिए ओके okay, आगे हम लोग बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पाली भाषा में लिखे गए हैं आपके बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं पाली भाषा में ठीक है ना बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातक में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है ये भी क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि जातक का संबंध किससे है तो जातक का संबंध किससे है बुद्ध के समय पर जो भी घटनाएं घटित हुई थी ना उनसे संबंधित है ना क्लियर है कि बुद्ध ने किस बुद्ध को किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध के समय पर किस प्रकार से एक टाँकू था उसने बौद्ध धर्म अपनाया था बुद्ध के चमत्कार के बारे में बुद्ध ने कहाँ कहाँ पर जो है यात्राएं की थी कौन कौन से उपदेश दिए थे इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है दो बात और है दो ग्रंथ और हैं एक है आपका दीपवंश और एक है आपका महावंश ये दोनों जो हैं आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि दीपवंश और महावंश के माध्यम से हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है किसके बारे में जानकारी मिलती है किसी से बोलना मत मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी हमें मिलती है के बारे में मौर्य कालीन अच्छा आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जवाब दे दोगे ना दीप वंश और महावंश किस वंश के बारे में जानकारी देते हैं बता दोगे ना ईमानदारी से बता देना ईमानदारी से है ना दीप वंश और महावंश जो है किससे संबंधित है ये संबंधित है आपके मौर्य कालीन इतिहास से ठीक है दे देंगे मुझे विश्वास है आपको व्लादिमिर पुतिन विश्वास है आप पे ठीक है ना आ, आपकी नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है आप काफ़ी समय से जुड़े हुए चलिए भूत है क्या सर के पास भूत है क्या सर के पास मतलब भूत मतलब भूत का मतलब क्या होता है मेरे पास भूत क्या है अगर मेरे पास भूत होता तो भाई जलवे कर देता मैं चलिए बौद्ध साहित्य में हम लोग बात करते हैं देखो सैन के द्वारा रचित एक मिलिंद पनह है ये भी आपका पाली भाषा में अच्छा आपको एक बात समझ में आ रही है मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं है ना विनय पीठक सुटक अभिधम पीठक और मैंने आपको जो दीपवंश बताया था है ना ये दीपवंश महावंश ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं आपके पाली भाषा में लिखे हैं ना तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बौद्ध साहित्य मैक्सिमम किस भाषा में लिखे गए हैं पाली भाषा में पाली भाषा सामान्य लोगों की भाषा थी सामान्य लोगों की भाषा में अगर आप भाषण दोगे उपदेश दोगे समझ में आएगा अगर मैं आपको भाई उर्दू में समझाऊँ उर्दू आपको आती नहीं है तो आप मेरी बातों को समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे ना यही तो बात है तो सामान्य भाषा में जब उपदेश दिए गए आम जनता को काफ़ी पसंद आया आम जनता ने बौद्ध धर्म का सपोर्ट किया क्लियर है और वैसे तो ब्राह्मण धर्म में तो आप जानते हैं भैया वेदों को समझना आम जनता क्या पंडितों के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है क्लियर है आम बस वही है तो पाली भाषा में था स्थानीय भाषा थी सामान्य भाषा थी आदमियों को समझ में आए बुद्ध के उपदेश और बुद्ध ने जो भी बातें कही वो सही सही बातें करी और ब्राह्मण जो धर्म था उस पर बहुत सारे आक्षेप लगाए ठीक है ना आलोचना करी जिससे कि काफ़ी मतलब इनको पॉपुलरिटी मिली ये सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे बौद्ध धर्म में जब हम लोग पढ़ेंगे ना इसमें हिंद यवन शासक मीनांडर के विषय में हमें सूचना मिलती है इसके बारे में सूचना मिलती है बेटा हमें मीनांडर के बारे में हिंद यवन शासक मीनाडर के बारे में एक थे आपके इस इनकी स्टोरी में आपको मैं आपको बाद में बताऊंगा मीनांडर और इसके बारे में है ना ये मीनांडर भी अपने आप को बहुत बड़ा दार्शनिक समझता था लेकिन हमारे जब ये नागार्जुन आए ना तो नागार्जुन ने इनको हरा दिया दो मिनट में और मीनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया पहले ऐसा होता था कि हम लोगों में वाद विवाद होगा जो भी वाद में जीतेगा वो उसका दूसरा वो उसका धर्म अपना लेगा चलिए तो ये आप ध्यान रखना मिलिंद पनो काफी महत्वपूर्ण है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके लिए बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है क्या है कथा वस्तु है याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है हीनयान में बहुत ही कम आपको ग्रंथ देखने को मिलेंगे तो कथा वस्तु पूछ लिया जाए कथा वस्तु किस संबंधित है तो आप क्या बताओगे कथा वस्तु संबंधित है किससे वो संबंधित है आपका से जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और अनेक कथाओं कथानकों का वर्णन देखने को मिलता है क्लियर है ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी ना याद रखना और ये बी एस कोड है ये भी याद रखना मेरा नाम भूल मत जाना क्या नाम है मेरा एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो भूपेंद्र सिंह दिनकर ठीक है ना और आंसर राइटिंग ग्रुप है उसकी लिंक बच्चे सेंड कर दें जिससे नए बच्चे आएँ उसमें ज्वाइन हो जाए अगर आंसर राइटिंग करनी है तो आप वहाँ पर अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं अपनी कॉपी भेज सकते हैं और जो भी जो भी सबसे पहले भेजेगा और सही फॉर्मेट में लिखेगा हम लोग उसकी कॉपी यहाँ पर चेक करेंगे ठीक है ना चलिए कृतिका ने बोला है भूपेंद्र सिंह दिनकर पीएम भी बोल रहे हैं भूपेंद्र सिंह दिनकर यही नाम है मेरा है ना और इसी नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाऊंगा मैं ज्वाइन कर लेना साढ़े ग्यारह हजार बच्चे हैं हमारे है ना ओके चलिए किम जोंग नहीं आता किम जोंग नाम चेंज कर कर करके आता है अभी पता नहीं किस नाम से है अभी उसे मालूम नहीं है ना चलिए आगे हम लोग बात करते हैं महायान संप्रदाय के ग्रंथ कौन से हैं ललित विस्तार और दिव्य वदान ललित विस्तार और दिव्य वदान ये दोनों भी ध्यान रखना आपसे पूछ लेगा ये ये किस धर्म से संबंधित है ललित विस्तार में क्या है ललित विस्तार में देवता माना है किसको बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन और कार्यों का चमत्कारी वर्णन प्रस्तुत किया है यार आप मुझे बताओ बुद्ध भगवान ने खुद ने कहा था कि मैं भगवान नहीं हूँ और ना ही मैं भगवान के अस्तित्व को मानता हूँ लेकिन आगे आने वाले समय में महायान धर्म ने क्या बोल दिया कि भाई जो उनके फॉलोअर्स थे कि बुद्ध कौन थे भगवान थे घूम फिर के उन्हीं को भगवान बना दिया तो महायान शाखा है बौद्ध धर्म की वो क्या मानती है भगवान मानती है, है। जबकि बुद्ध भगवान चमत्कार नहीं मतलब चमत्कार को चमत्कार नहीं मानते हैं चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है चमत्कार और विज्ञान एक ही है जब जब तक आपको ट्रिक समझ में नहीं आती है ना तब तक वो क्या है चमत्कार है जब भी आपको समझ में आ जाए ये ट्रिक है अरे यार ये तो विज्ञान है तो विज्ञान और जादू टोने में जादू में कोई डिफरेंस थोड़ी है अच्छा आपने देखा होगा जादू करने वाले जितने भी लोग होते हैं ना पहले बचपन में हम लोग जादू देखने जाया करते थे है ना और आपने देखा होगा कि भाई अरे वाह गर्दन कट गई अरे वाह पैर काट दिया अरे वाह ये हो गया लेकिन उन सब के पीछे क्या होता है एक ट्रिक होती है एक साइंस होता है तो साइंस और विज्ञान में डिफरेंस नहीं होता है है ना

ओके okay, रोज सुबह सात बजे हमारी क्लास होगी तीन तीन घंटे की क्लास होगी आग लगा देंगे हिस्ट्री में तो हिस्ट्री में तो आग लगा देंगे इतना तो डेफिनेटली अब काम क्या है आपका काम आपका काम है कि आपको करना क्या है आपको करना यह है कि रिवीजन करना है बार बार है ना आप चाहो तो रिवीजन के लिए टू एक्स की स्पीड में भी देख सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में ठीक है ना हमारा बौद्ध साहित्य खत्म हो चुका है एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं आप मुझे बताओगे कि विनय पीटक का संबंध किससे विनय पीटक का संबंध किससे आज तो आगे लगा दें लगाते हैं आज तो अच्छी तरीके से ठीक है इतिहास में तो आगे लगा देंगे हम कसम से ईमानदारी से साथ रहना मेरे बस कुछ लोग कुछ बच्चे मुझे नया समझ रहे हैं मैं मैं नया हूं क्या हाँ हाँ वो बात अलग है मैं भा... कभी कभी कहीं और चला जाता हूँ <laughs> नहीं जाता नहीं हूँ मैं नोटिफिकेशन डाल देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर अब जो बच्चे रोज जुड़े हुए हैं वो तो आ ही जाते हैं है ना ओके चलिए जय अरे यार मैंने आपसे पूछा था विनय पीटक का संबंध किससे बौद्ध धर्म से नहीं उसके अंदर उसके अंदर कौन सी बातें लिखी गई हैं है ना वो आपको बताना है चलिए जैन साहित्य की हम लोग बात करते हैं जैन साहित्य को हम लोग क्या जानते हैं आगम और हाँ एक बात ध्यान रखना मैं कभी भी आपको एक घंटे में वो नहीं बना सकता है ना कि एक घंटे में हिस्ट्री पूरी एक घंटे में आपकी पॉलिटी पूरी एक घंटे में ये खतरनाक मैं नहीं करवा सकता भाई हाथ जोड़ के निवेदन है मैं नहीं करवा सकता हूँ है ना और ऐसे बच्चे आए भी नहीं जो एक घंटे में हिस्ट्री करना चाहते हैं एनशियट मीडियाबल मैं तो भाई समय लेता हूँ पूरा समय लूँगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ वहाँ से क्वेश्चन आएंगे क्लियर है है ना मैं एक एक घंटे की कोई नहीं लेता हूँ मैं विश्वास कीजिए ठीक है ना आज जोड़ के निवेदन है जो एक घंटे में हिस्ट्री करना चाहते हैं पूरी हिस्ट्री एंशियट मीडियबल आर्ट एंड सब कुछ सब कुछ उसमें ऐड हो तो वो ऐसे लोग लेक्चर में ना आए है, है ना ऐसे ऐसे लेक, बच्चे लेक्चर में आए जिनका उद्देश्य है यूपीएससी को पास करना है ना टाइम पास के लिए एक परसेंट भी लोग मत आना यहाँ पर मैं एक परसेंट भी टाइम पास नहीं करता हूँ आपकी है ना चलिए आगे हम लोग बात करते हैं देखो हम लोग जैन साहित्य को बोल रहे हैं आगम यह क्वेश्चन भी पूछा गया है आगम शब्दावली किससे संबंधित है आगम का मतलब होता है जैन साहित्य और जैन ग्रंथों में परिशिष्ट परवन भद्रबाहरित्र आचरंग सूत्र और भगवती सूत्र कालिका पुराण ये सभी जो हैं आपके काफी महत्वपूर्ण है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से हमें ज्ञात होता है इसकी रचना किसने की थी भद्रबाहू ने तो भैया आपसे पूछ लिया जाएगा कल्प सूत्र की रचना किसने की थी भद्रबाहू ने आपसे पूछ लिया जाएगा कल्प सूत्र किससे संबंधित है जैन साहित्य से ठीक है ना चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ लौकिक साहित्य के बारे में अच्छा लौकिक साहित्य क्या होता है यार लौकिक साहित्य का मतलब आप समझिए ये, ये लौकिक साहित्य को हम लोग गैर धार्मिक साहित्य भी बोल सकते हैं क्या गैर धार्मिक साहित्य अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे ब्राह्मण ग्रंथ इसमें वेद आरण्यक पुराण वेदांग इन सब की हम लोगों ने बात की थी जैन साहित्य की हम लोगों ने बात की और जैन साहित्य में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी बौद्ध साहित्य की मैंने बात की थी तो ये जैन बौद्ध साहित्य और आपका ब्राह्मण सॉरी ये सारे के सारे जो हम लोगों ने पढ़े थे वो आपके धार्मिक साहित्य थे और धार्मिक साहित्य के बारे में धार्मिक साहित्य के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है अब हम लोग बात कर रहे हैं लौकिक साहित्य इसको गैर धार्मिक साहित्य भी बोलते हैं धर्म का इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होगा ठीक है चलिए ओके okay. ठीक है तो देखिए सबसे पहला आपका आता है ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का निर्माण किसने किया था बच्चा बच्चा इस बात को जानता कोई यहां इस सेशन में कोई है जो इस बात को नहीं जानता हो कि भैया अर्थशास्त्र का हाँ सभी को पता है ना ठीक है तो अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है इसके अलावा प्रशासनिक दार्शनिक कृषि के क्षेत्र में विदेशी संबंध विदेशी नीति इसके अलावा सामाजिक इसके अलावा धार्मिक इन सब के बारे में जानकारी मिलती है और ये थे आपके कौटिल्य जिन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी क्लियर है चंद्रगुप्त मौर्य को एक छोटा सा बालक है ना इस छोटे से बालक को मौर्य साम्राज्य का राजा बना दिया है ना एक छोटे से बालक को नंदवंश कितना शक्तिशाली था मगध का सबसे शक्तिशाली राज्य था उसको अदस्थ कर है ना चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली किसकी वजह से वो था आपका चाणक्य चाणक्य नीति आज भी आप पढ़ना काफी अच्छा है है ना ओके चलो ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं साहित्यिक स्रोत में गैर धार्मिक स्रोत में जिसमें हम लोग जिसको हम लोग लौकिक साहित्य के नाम से भी जानते हैं कलहण की एक पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगणी क्या नाम है इसका राज राज तरंगणी से भी हमें हमें जो है अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है किसके बारे में जानकारी मिलती है आदिकाल से लेकर ग्यारह सौ इक्यावन ईस्वी तक का इतिहास किसका इतिहास कश्मीर का इतिहास कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, है। वहाँ के राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई थी उसके बारे में जानकारी मिलती है हमें किससे हमें जानकारी मिलती है भाई साहब राज तरंगिणी से कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है तो वो कलहण के द्वारा भैया लाइक करते चलिए जो भी नए स्टूडेंट आते जा रहे हैं आग लगाने का उद्देश्य आज हमारा ठीक है ना ओके चलना चाहिए पता सबको अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी हम लोगों ने सबसे पहले किसकी बात की थी कौन सी थी कौटिल्य का अर्थशास्त्र दूसरा राजतरंगणी तीसरा क्या आया अष्टाध्यायी इसके अलावा कात्स्यायन की वर्तिका पतंजलि का महावाश्य वैशाख दत्त का मुद्रा राक्षस कालिदास का माल विकाग मित्र इन सब के बारे में हमें इन, इन सब के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है अपने इतिहास के बारे में और भी मैं आपको एक महत्वपूर्ण किताब बता रहा हूँ अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र ये पूछा गया क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है तो किसके द्वारा लिखा गया है वो है आपका अश्वघोष अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र को लिखा गया है हर्ष चरित्र ये भी आपका पूछा गया है वाकपति को का हो, विलहण का विक्राम देव संध्याकर, चरित्र संध्या कर नंदीकृत रामचरित्र का कुमार पाल चरित्र ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो आपकी पूछी गई अच्छा मैं आपको अभी कुछ साहित्यिक रचना आपको बता रहा हूँ इसको आप रट लेना है ना रटोगे ना हाँ रटोगे ना अभी मैं आपको कुछ रचनाएं बताने वाला हूँ इसको आप रट लेना वैसे तो आपको मालूम होगा जो मैं आपको अभी टेबल बताने वाला हूं मालूम होगा डेफिनेटली मालूम होगा इतना तो विश्वास है मुझे आप पर ओके चलिए तो ये टेबल मैं आपको बता रहा हूं टाइम पास के लिए नहीं बता रहा हूं बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम नहीं होंगी जो मालूम नहीं होंगी उनको देखिए ब्रेक लेना है क्या ब्रेक लेना है अरे यार आज तो आग लगानी थी हमें नॉन स्टॉप तीन घंटे की जब मैं यहाँ पर बीमार होते हुए कोरोना पॉजिटिव होते हुए आपको तीन घंटे पढ़ा सकता हूँ तो आपकी इतनी मतलब क्षमता नहीं है आपकी इतनी औकात नहीं है कि मतलब कि आप तीन घंटे बैठ कर पढ़ सकें हाँ आपके लिए इतना अच्छा प्रेजेंटेशन लेकर आता हूँ आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर आता हूँ आपके लिए सब कुछ मतलब बहुत सॉलिड होता है अपना अपने लेक्चर हटके होते हैं सबसे आप जानते हैं ना इस बात को लेकिन ब्रेक क्या जब आप तीन घंटे का पेपर लिखते हैं एग्ज़ाम में तब आप ब्रेक लेते हैं क्या नहीं लेते ना तब तो हमें लगता है कि भाई थोड़ा सा और टाइम मिल जाता हमें पढ़ सकते हैं ना यार आप तीन घंटे में ब्रेक चाहिए आपको छः घंटे का पेपर होता है यूपीएससी का कहाँ से आप छः घंटे लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे छः घंटे तो फिर यूपीएससी छोड़ दो ना फिर क्या ही मतलब है छोड़ दो यूपीएससी कोई मतलब नहीं यूपीएससी करने का किस किस को ब्रेक चाहिए बताओ जिस जिसको ब्रेक चाहिए ना दस मिनट का तो वो एक काम करे दस मिनट का ब्रेक ले ले है ना और वहां से कंटिन्यू कर ले बाद में हम लोग तो कंटिन्यू करेंगे ओके <coughs> इतनी सारी टैबलेट खा खो के मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ जिससे कोई दिक्कत ना आए आपको मेरी आवाज़ से भी समझ में आ रहा होगा कि भाई आवाज़ गला ख़राब है मेरा शक्ल से भी आपको समझ में आ रहा होगा है ना भाई चीज़ें चल रही हैं यार ठीक है छोड़ो यार देखो जिसके लिए देखो बिना ज़रूरत के अगर किसी को राय दी जाए ना तो बेकार होता है ठीक है ना अगर आपको ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री पढ़ने की तो मैं कितना भी आपको पढ़ा ना कोई मतलब नहीं है इतना भी अच्छा कंटेंट दे दूँ कोई मतलब नहीं है अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है बस आप बस अपने समाज को अपनी सोसाइटी को आसपास के लोगों को दिखाने के लिए यूपीएससी कर, कर रहे हैं कि नहीं हम लोग यूपीएससी कर रहे हैं जिससे समाज में इज्जत हो कोई फ़ायदा नहीं है उससे एक समय ऐसा आएगा कि भाई सिलेक्शन नहीं होगा उसके बाद समाज को क्या मुंह दिखाओगे समाज हंसेगा आपके ऊपर है ना तो ऐसा नहीं भाई एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ो कोई मतलब नहीं है किसको दिखाते हो स्टेटस पर डाल डाल के इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल डाल के क्या मतलब है कोई मतलब नहीं जब तक आपका कोई स्टेटस नहीं है ना आपको कोई देखेगा भी नहीं कोई नहीं देखेगा आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस दुनिया में हजारों लोग लाखों लोग हर रोज पैदा होते हैं मर जाते हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अभी कुछ सेलिब्रिटी हैं वो कोरोना की वजह से मर रहे हैं वो मीडिया में आ रहे हैं क्या सेलिब्रिटी मर रहे हैं क्या गरीब जनता भी तो मर रही है है कब आते हैं कब मर जाते कोई फ़र्क़ भाई ज़िंदगी में काम ऐसा कर जाओ कि जब मरो भी ना तो जो साथ में जलने वाली लकड़ी है ना वो भी ये कि भाई कि मैं किसी महान इंसान के साथ जल रही हूँ वरना लकड़ी जो है ना वो भी ये बोलेगा अरे यार क्या इंसान के साथ चलो ठीक है वो सब छोड़ो है ना ब्रेक जिंदगी में मिलते रहेंगे लाइफ में एक बार कुछ बन जाओ उसके बाद ब्रेक ही ब्रेक है जल भी जल में बस दो साल तैयारी कर लो यार अच्छी तरीके से ज़िंदगी सवर जाएगी वरना दो साल आपने गुजार दी ना ये गोल्डन टाइम मतलब गोल्डन टाइम होता है ना है ना वो है ये आपके लिए तो इसको यार बिल्कुल भी यार मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी जाने ना दें ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी लोगों के लिए बाकी भाई कितना भी समझा लूँ समझ में आएगा नहीं भैंस के आगे कुछ लोगों के लिए भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही है कितना भी समझा लूँ वो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही है करना वही है दस सेकंड मेरी बात सुन लेंगे उसके बाद करेंगे वही जो उनका मन करेगा भाई मौका मिला है यार आपको आपका एग्ज़ाम एक्सटेंड हो सकता है भैया तो एग्जाम एक्सटेंड हो सकता है टाइम मिला है तो पढ़ाई में उसको इन्वेस्ट करो ना कुछ लोग जो हैं भैया एग्जाम एक्सटेंड होने वाला है पढ़ाई छोड़ दी है वेब सीरीज़ देख रहे हैं भाई ज़िंदगी भर वेब सीरीज देखते रहोगे ना कुछ भी नहीं मिलने वाला वेब सीरीज वालों को तुम पैसा दे रहे हो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है वेब सीरीज़ वेब सीरीज छोड़ो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो ज्यादा अच्छा रहेगा जिंदगी में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देना है वो पढ़ाई लिखाई को ध्यान देना है लाइफ देखो अगर जो जो भी चीज आप कर रहे हो और वो आपके लक्ष्य के लिए नहीं है ना लक्ष्य से संबंधित नहीं है तो वो आपका दुश्मन है जो चीज आपके लक्ष्य से संबंधित है उसी चीज को करो जो चीज आपके लक्ष्य से संबंधित नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली छोड़ दो दुश्मन है वो दोस्त हो चाहे घर वाले हों चाहे रिश्तेदार हों अगर आपको लक्ष्य के साथ जोड़ते हैं है ना तो सही है वरना लक्ष्य से दूर करते हैं तो गलत है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब भूल जाओ भाई सब भूल जाओ एक बार कर लोगे ना यूपीएससी कर लोगे सब मिलेगा भाई गर्लफ्रेंड भी मिलेगी बॉयफ्रेंड भी मिलेगा शादी भी होगी अभी फालतू का प्यार व्यार करोगे ना तो कुछ मिलना जुलना है नहीं है रोते रहोगे और बेवफाई वाले गाने सुनोगे होगा लाइफ में अब देखो बिना बकवास के अब स्टार्ट करते हैं मेरी बात सुनिए अब अब बहुत बकवास हो गई ब्रेक भी आपका हो गया दस मिनट का अब सुन लीजिए अब हमें पचास मिनट और पढ़ना है ठीक है आज मैं क्वेश्चन भी आपको दूंगा उस क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करना है आंसर राइटिंग ग्रुप में एक बार आंसर राइटिंग ग्रुप की जो लिंक है बच्चे सेंड कर दें जिससे कि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐड हो जाएं हाँ ग्रुप में लेकिन ओपन ग्रुप है उसमें कोई भी प्रमोशन ना करें लॉटरी लग जाएगी ये लग जाएगी वो लग जाएगी जॉब पाएँ वो पाएँ तुरंत हटा दिए जाओगे चलिए देखो मेरी बात सुनिए मैं कुछ आपको किताबें बता रहा हूं काफी महत्वपूर्ण है रचनाकार याद कर लेना आपसे ठीक है ना तो भैया मुद्रा राक्षस विशाख दत्त कईयो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है महाभाष्य पतंजलि कईयो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है इसके अलावा कथा सारित्य सागर ये है सोमदेव अभी नहीं पूछा है लेकिन पूछने की संभावना है प्रहद कथा मंजरी ये है आपके छेमेंद्र अर्थशास्त्र ये है आपके कौटिल्य नीतिशास्त्र ये है आपके कामंदक मालविकाग्न मित्र कई बार पूछा गया का है कालिदास की बहुत ही फेमस पुस्तक है ये है ना कालिदास की बहुत ही फेमस पुस्तक है ये मालविकाग्निमित्रम इसमें लव स्टोरी दे रखी है ठीक है ना मृक्ष कटिकम शूद्रक हर्ष चरित्र वाण भट्ट रामचरित्र संध्या पृथ्वीराज रासो देखो ये मृक्ष ये आपकी जो मालविकाग्न मित्रम है ना ये आपकी लव स्टोरी है ठीक है ना अब देखो यार ये तो राजा महाराज थे इनकी लव स्टोरी इसलिए छप गई इतिहास में आप कोई राजा महाराज थोड़ी हो आप गरीब घर में पैदा हुए हो कोई भी आपकी कोई भी लव स्टोरी नहीं छपेगी इसमें है ना आप कोई भी काम करोगे तो न्यूज़पेपर में थोड़ी आओगे तो काम ऐसा कर जाओ कुछ ऐसा बन जाओ कि भाई अगर आप आपको जुकाम भी हो ना तो मीडिया का मीडिया की हेडलाइन होना चाहिए कि भाई देखो इसको जुकाम हो तो गया ऐसा कुछ बनो यार ऐसा कुछ करो वरना जिंदगी मिली है यार उसके बाद ऐसे ही गुजार दोगे क्या मतलब है रामचरित्र संध्याकर नंदी पृथ्वीराज रासू चंद्रबरदाई राजनी कल्हण ये याद रख लेना काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए अब देखो क्या है मुद्रा राक्षस जो है ये हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है महाभाष्य है ये पुष्यमित्र सुंग के बारे में जानकारी देती है कथा साहित्य सागर है ये मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है किसके बारे में मौर्य काल के बारे में इसके अलावा ये है आपका अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र तो आप जानते हैं ना ऑब्वियसली अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है तो मौर्य काल के बारे में ही तो जानकारी देगी ना नीतिशी नीतिशार ये है आपका गुप्तकालीन राजतंत्र इसके अलावा मालविकाग निमित्रम ये है आपका शुंग वंश के बारे में जानकारी वृक्ष कटिकम यह है आपका गुप्तकालीन समाज हर्ष चरित्र ये है आपका हर्ष के बारे में रामचरित्र ये बंगाल के शासक रामपाल के बारे में जानकारी देती है इसके अलावा रास्तरंगिणी ये कश्मीर के राजवंशों के बारे में जानकारी देती है तो ये सभी चीजें आपको याद होना चाहिए क्या याद होना चाहिए सारी की सारी चीजें याद याद कर लोगे ना बहुत सारी चीजें तो आपको पहले से ही मालूम होंगी कुछ नई चीज मैंने आपको बताई है जैसे कि जैसे कि है वृहद कथा मंजरी ये कुछ है आपको शायद आपको नहीं मालूम होगा ये कोड है कोड हमेशा ध्यान रखना मेरे साथ पर्सनली जुड़ना है तो बी एस लाइव कोड का यूज़ कर लेना ठीक है ना ओके आ, बी एस लाइव बाकी तो आप जानते हैं क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है बस कोड ध्यान रखना जब भी आप इस्तेमाल करें कोड याद कर लें कोड क्या है बी एस लाइव और मेरा टेलीग्राम ग्रुप क्या है भूपेंद्र सिंह दिनकर इस पर आप ज्वाइन हो जाए यहाँ से आपको रोज पी डी एफ यू मिल जाएगी और आंसर राइटिंग का जो ग्रुप है वो भी आप शेयर कर दें जिससे कि आपको चीज़ें आंसर राइटिंग भी आपकी एक आ, दस मिनट आंसर राइटिंग करोगे ना तो उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका पता है आपको आपको आंसर राइटिंग स्किल मैंने बहुत सारे बच्चों की आंसर राइटिंग स्किल इम्प्रूव की है पता है आपको मैं आपको ग्रुप पे भी सेंड करूँगा जिसमें से सबसे बेस्ट आंसर राइटिंग लगती है मेरे को ऐश्वर्या की ऐश्वर्या कश्यप है ना चलिए अब हम लोग बात करते हैं साहित्यिक स्रोत में विदेशी विवरण <coughs> देखो punched. हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग आए थे हमारे भारत देश में बहुत सारे विदेशी लोग आए थे और समय समय पर इन लोगों ने क्या किया था हमारे भारत देश में यात्राएं की थी और हमारे भारत देश के समाज के बारे में राजनीति के बारे में प्रशासन के बारे में अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दी थी तो हम लोग इनको तीन भागों में डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनान और रोम के लेखक सबसे पहले यही तो आए थे ना उसके बाद हमारे आए थे चीनी यात्री और उसके बाद अरब यात्री इन सब चीजों के बारे में हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉरी <coughs> यूनान एवं रोम के लेखक फिर चीनी यात्री फिर अरब यात्री के विवरण ठीक है ओके चलिए तो सबसे पहले हम लोग यूनान लेखक के बारे में पढ़ें। यूनान लेखक के बारे में पढ़ने चलिए हाँ सी अब चलेगी नहीं आपको डिस्टर्ब होगा नहीं चलो सबसे पहले हम लोग यूनान और रोम के लेखक के बारे में बात करते हैं तो यूनान और रोम के लेखकों में सबसे पहले जो नाम आता है वो टेसियस और हैरोडोट्स का आता है किसका आता है नाम तो सुना हुआ ना हैरोडोट्स को शायद हम लोग इतिहास का पिता भी बोलते हैं ये चल क्यों नहीं रहा यार एक मिनट रुको यार ये रेड ब्लैक पे तो कुछ चलेगा ब्लैक पे ये चलेगा ये भी नहीं चल रहा ब्लैक पे। ब्लैक पर रेड थोड़ा बहुत दिख रहा है तो ठीक है यूनान के लेखकों में दो लेखक आते हैं। एक तो टेसियस है और एक है।, है। इन दोनों के नाम काफी महत्वपूर्ण है ध्यान रखना टेसियस ये टेसियस जो है ये ईरान का जो ये क्या था ईरान का राजवेद था हाँ, अब आपको शहद दिख रहा होगा ये क्या था ईरान का राजवेद था टेसियस के वर्णन में अधिकांशतः कल्पित कहानी है कल्पित मतलब इसको हम लोग इतिहास का साक्ष्य नहीं मान सकते हैं ठीक है ना ये सारी की सारी आपकी अविश्वसनीय है क्लियर है नेक्स्ट आपका हैरोडॉट्स हेरोडॉट्स इसे हम लोग इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं कई बार स्टेट पीसीएस में और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है पाँचवीं सदी ईसा पूर्व की हिस्टोरिका की रचना की थी इसने और इसमें भारत और फारस के संबंधों के बारे में जानकारी दी गई है किसके बारे में भारत और फारस के बारे में भारत फारस के संबंधों के बारे में जानकारी दी गई है हैरोडॉट्स इसको इतिहास का पिता कहते हैं क्या बोलते हैं इतिहास का पिता बोलते हैं याद रखोगे ना यूपीएससी नहीं पूछेगा आपसे लेकिन फिर भी किसी को ज्ञान देना होना थोड़ा बहुत पूछ लेना उससे बच्चा बच्चा जानता है लूसेंट में भी देखा है इसका चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन से थे निर्याकसिक्रेटस और और एरिस्टोबुलस ध्यान रखना ये कईयों बार पूछा गया है कि मतलब सिकंदर के साथ कौन कौन से लोग आए थे तो ध्यान रखना कौन कौन से लोग आए थे वो थे आपके निर्याकस ऑन सिक्रेटस

ठीक है इसके बाद आप जानते हैं बहुत ही फेमस किताब है इंडिका किसकी किताब है ये इंडिका ये इंडिका जो किताब है मैगस्तनीज की है और ये क्वेश्चन मेंस में इसमें आया हुआ है कि मैगस्तनीज ने भारतीय समाज के बारे में क्या जानकारी दी है ठीक है किस प्रकार से भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया है ये मैगस्तनीज जो था ये सेल्युकस निकेटर का कौन था राजदूत था ये सेल्युकस निकेटर का राजदूत था बहुत बढ़िया जी एस बाय बिंदुसार के समय पर आया था डाइमेकस निकेटर का राजदूत था ये ओके okay? मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य समाज एवं संस्कृति के विषय में हमें जानकारी मिलती किसके बारे में जानकारी मिलती है हमें जानकारी मिलती है मौर्य समाज ऑब्वियसली यार ये मेगास्थनीज किसके समय का है यार ये सेल्यूकस निकेटर ये किसके समय के हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो ऑब्वियसली मौर्य समाज के बारे में जानकारी देगा ये तो मेरे बारे में थोड़ी जानकारी देगा वो चलिए डाइमेकस ये थे आपके सीरियन नरेश अंथ्युकस का राजदूत था और ये बताया था अभी आंसर बिंदु सार के समय पर आया था कौन सा बच्चा है ये जिसने बताया था ये जी एस बाय जड़े जो पता नहीं कौन है ये ओके तो भैया लाइक भी करते चलिए है ना आग लगानी है आग लगानी है उनको ठीक है ना क्या लगानी है आग लगानी है कोड ध्यान रखना क्या बी एस लाइफ मेरा नाम क्या है भूपेंद्र सिंह दिनकर समय समय पर ये सभी चीजें कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए आपके बारे में आएगा सर जी डोंट वरी आएगा यार लेकिन मैं क्या है थोड़ा सा यार पॉलिटिक्स करना जानता नहीं हूँ ठीक है ना मैं बच्चों के साथ में हमेशा रहता हूँ मैं अपना नुकसान करवा सकता हूँ हमेशा लेकिन आप लोगों को भी नुकसान नहीं कर सकता मैं है ना तो वही सब चीज़ें हैं चलिए यूनान एवं रोम के लेखक के बारे में बात करते हैं ये इसी के बारे में तो हम लोग बात कर रहे थे देखो इसमें डायनोसियस है ये डायनोसियस है ये मिस्र का राजा था टोलमी इसका नाम सुना होगा काफ़ी फेमस इंसान है ये टोलमी टोलमी फिलाडल्फस इसका राजदूत था ये और ये बिंदुसार के दरबार में आया था है ना और अन्य में अशोक के समय में भी, मैं भी पढ़ने को मिलता है अगर अशोक आ जाए तो भी लगा देना और बिंदुसार आ जाए तो भी लगा देना क्या नाम है मेरा भूपेंद्र सिंह पी पीएम बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कोड है अपना बी -एस, बी एस लाइफ का आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ना ओके ओके चलो है ना कंटेंट में मजा तो आ रहा है ना आपको पढ़ने में क्यों पढ़ने में तो मज़ा आ रहा है ना चीज़ें अरे चिंता मत कीजिए यार आपको उस लेवल पे ले जाऊंगा ना हिस्ट्री में तो आपको मजा आ जाएगा एक नंबर का मतलब हिस्ट्री में आप ये बोलोगे यार कि सर अब हिस्ट्री में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ना आग लगा देंगे और हिस्ट्री में कॉन्फिडेंस हा। और हाँ मैं आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी कराऊंगा ना तो ये भी बहुत शानदार होगी ये भी आप विश्वास कीजिए ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग प्लिनी की बात करते हैं ये प्लिनी जो है ये पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक इसने लिखी थी ये क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्लीनी प्लिनी यानी कि नेचुरल हिस्ट्री इसने पुस्तक लिखी थी इसमें भारत के पशुओं के बारे में भारत के पौधों के बारे में और भारत के खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी हमें स्पष्ट रूप से मिलती है ओके चलिए ये तो आपको मालूम चल गया है इसके बाद हम लोग बात करते हैं टोलमी टॉलमी की एक पुस्तक है देखो ये जोग्राफी से संबंधित था उस समय पर जोग्राफी की जो है नई नई बातें नई नई खोजें हो रही थी टोलमी ज्योग्राफी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है क्लियर है एक किताब है आपकी पेरी प्लस ऑफ सी कौन सी किताब है पेरी प्लस ऑफ द एरेथियन सी इसके लेखक का नाम हमें अभी तक नहीं मालूम है है ना इसके लेखक का नाम लेकिन इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है है ना इससे भारत के भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है और जानकारी मिलती है कि हमारे भारत देश में आयात निर्यात किस प्रकार से हुआ करता था तो पैरी प्लस ऑफ द सी इसका कोई भी लेखक नहीं है इसका लेखक अज्ञात है काम ऐसे ही करूँ ना यार भलाई कर दो काम मत करो आजकल होता क्या है कोरोना वायरस की महामारी में आपने देखा होगा एक केला गरीब आदमी को देते हैं दस बारह जो है राजनेता उसको पकड़ते हैं साथ साथ में कि भैया फोटो खींचूँ आजकल ये चल रहा है भाई कोई भी सामाजिक आप काम कर रहे हो ना तो किसी को दिखाने के लिए काम मत करो है ना आप काम ऐसा करो यार किसी को मालूम ही ना चले सच्ची खुशी तो यही है ना न्यूज़ मीडिया में चीज़ें आए और तो मालूम चले कि यार कि देखो किसी ने अनजान व्यक्ति ने सहायता करी इसका नाम अभी तक पता नहीं है बड़ी खुशी मिलती है है ना आजकल मैं भी ऐसे काम करता हूँ समाज कल्याण कर करता हूँ लेकिन हाँ फ़ोटो नहीं खिंचवाता कभी एक बार दो हजार में फोटो खिंचवाया था मैंने उसके बाद कभी फोटो नहीं मैंने ठीक है चलिए आगे हम लोग बात करते हैं चीनी यात्री देखो आपके यूनान और रोम के सारे के सारे खत्म हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने स्टेसियस की बात की थी हेरोडोट्स की बात की थी प्लीनी की बात की थी मेगास्थनीज की बात की थी डायमेकस की बात की थी डायनोसियस की बात की थी प्लीनी की बात की थी और की बात की थी अब हम लोग बात करेंगे चीनी यात्री के विवरण चीनी यात्रियों ने हमारे भारत देश में यात्रा करी और हमारे भारत देश में किस प्रकार से इन लोगों ने जो है हमारे भारत देश में नहीं मतलब हमारे मतलब हमारे भारत देश के बारे में इन्होंने विवरण दिया है ना और चीनी यात्रियों का जो मुख्य उद्देश्य था वो पता है क्या था चीनी यात्रियों का प्रमुख उद्देश्य यह था कि भाई किसी भी तरह से हम लोग बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं उनको उठाकर ले जाए उनका अध्ययन करें इसलिए भारत देश में आए थे हमारे भारत देश में ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ था लेकिन हमारे भारत देश में ही बौद्ध धर्म खत्म हो गया बहुत बिल्कुल दैनीय स्थिति है क्या कर सकते हैं हम अपने प्राचीन सभ्यता और हमारी खुद की जो विरासत है उसको हम लोग भूल जाते हैं चीनी यात्री इस बात को जानते थे आज जापान में बौद्ध धर्म है श्रीलंका में बौद्ध धर्म है म्यांमार में बौद्ध धर्म है लेकिन हमारे भारत देश में बौद्ध धर्म है ही नहीं धर्म है वो भी जो है दलित वर्ग के लोग उसको अपनाते हैं चलिए वो बात हम लोग नहीं करेंगे चलिए हम लोग बात करते हैं चीनी यात्रियों में तो भारतीय इतिहास के स्रोत में चीनी यात्रियों की बहुत बड़ी भूमिका है इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में बहुत सारी बातें हमारे भारत देश के समाज के बारे में लिखी है देखो चीनी यात्री जो थे मैक्सिमम बौद्ध मतानुयायी थे और इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करना बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य था इसलिए हमारे भारत देश में आया अच्छा सबसे पहले हमारे भारत देश में कौन आया सबसे पहले हमारे भारत देश में आया फायान फायान आया था याद रखना किसके समय पर आया था यह विक्रमादित्य के समय पर आया था किसके समय, समय पर आया था याद रखना विक्रमादित्य के समय पर आया था तो भैया विक्रमादित्य का नाम क्या था चंद्रगुप्त द्वितीय तो चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाए चाहे विक्रमादित्य आ जाए बात तो वही है ना ठीक है चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाए या फिर विक्रमादित्य आ जाए बात तो वही है क्लियर है चलिए इसने भारतीय समाज यहाँ की संस्कृति एवं आर्थिक इतिहास पर प्रकाश डाला फायन ने ठीक है ना यही काम करेंगे और क्या करेंगे ये लोग वैन की हम लोग बात करते हैं तो वैन ये कब आया था ये सातवीं सदी में आया था और ये हर्षवर्धन के समय पर आया था ये भी ध्यान रखना बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे कईयों बार पूछ भी लेगा अभी हमें मार्कर चेंज करने की आवश्यकता है है ना पीला कर लेते हैं सही रहेगा ठीक है इसकी एक पुस्तक है सी यू की यह ध्यान रखना कई बार पूछा गया क्वेश्चन है सात बजे हमारी क्लास होती है और ऐसे बच्चे नए जो सवाल पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर क्लास कब होती है सर का टेलीग्राम ग्रुप क्या है सर का नाम क्या है है ना क्लास कौन सी चल रही है पहली क्लास है दूसरी क्लास है आपका कर्तव्य बनता है कि आप कमेंट बॉक्स में संभालें याद रहेगा सी यू की ठीक है चलिए अच्छी बात है चीनी यात्री में एक है आपका इत सिंग. इत सिंग जो है आपका जो ये कब आया था ये सातवीं सदी के अंत में आया था सबसे लास्ट में यही आया था और इसने अपने विवरण में क्या बताया था इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे बारे में में बताया था किसके नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया था भैया तो नालंदा विश्वविद्यालय उस समय पर इतना शानदार विश्वविद्यालय था जैसे आज के समय में समय में एम है टी यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपने सुना होगा विश्व की सबसे बेस्ट एम यूनिवर्सिटी है अगर उससे किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया तो जॉब उसकी पक्की है नालंदा यूनिवर्सिटी भी इसी प्रकार की थी हमारे भारत देश में मतलब विदेश के बहुत सारे लोग आते थे वहाँ पर प्रॉपर सिलेबस हुआ करता था हर एक सब्जेक्ट के अलग से टीचर हुआ करते थे प्रोफेसर हुआ करते थे पूरा सत्र मतलब आज के समय में जो यूनिवर्सिटी चलती है ना उस समय में नालंदा एक पागल सा इंसान था बख्तियार खिलजी ना खुद शिक्षित था भाई ना दूसरों को शिक्षा देगा उसने नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया ऐसे कुछ उल्लू होते हैं जो ना तो जीने देते हैं और ना चलो ठीक है बाकी तो आप जानते हैं चलो इसके अलावा एक विक्रम विश्व विक्रमशिला विश्वविद्यालय था ये कहां पर था विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर था ये बताओगे आप मुझे पता अपने समय में भारत का इन्होंने जो है ठीक है ये सब चीज़ें है, चीजें हैं देखो यहाँ पर हमारे चीनी यात्री भी खत्म हो गए अब हम लोग अरब यात्रियों के बारे में बात करते हैं अरब यात्रियों में हम लोग दो महत्वपूर्ण है एक तो है इब्न बतूता एक है अलबरूनी ये दो आदमी जो है वो काफी महत्वपूर्ण है इसके बारे में आप ध्यान रखना देखो अरब यात्रिया अरब यात्री हमारे भारत देश में मध्यकाल में आए थे ठीक है ना जब अरबों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था और इनके द्वारा इनके साहित्यिक स्रोत के द्वारा हमें हमारे भारत देश के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है जैसे अलबरूनी की कि, की किताब है तहकीके हिंद तहकीके हिंद से हमें हमारे समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है आप ध्यान रखना इन लेखकों में अलबरूनी और इब्न बतूता इन सब का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है तो हम लोग अलबरूनी के बारे में पहले बात करेंगे उसके बाद हम लोग इब्न बतूता के बारे में बात करेंगे अलबरूनी अलबरूनी ये ग्यारहवीं सदी में आया था किसके साथ महमूद गजनबी के साथ आया था किसके साथ आया था महमूद गजनबी के साथ में हमारे भारत देश में आया था इसकी एक किताब है जिसका नाम है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए ए हिंद हिंद उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है हमें हमारे भारत देश के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है किसके बारे में अलबरूनी के बारे में ठीक किसके माध्यम से तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद के माध्यम से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्वप्रथम 1888 सौ ईस्वी में एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में तहक़ीक हिंद का अनुवाद अंग्रेज़ी भाषा में कर दिया क्लियर है तो आप समझ सकते हैं ना कि अंग्रेजों को भी जरूरत थी हमारे भारत देश में अगर राज करना है तो उसके इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए ही चाहिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं ना कि भाई एग्जाम की औकात कितनी है तभी तो आप तैयारी स्टार्ट करते हैं रणनीति इसी प्रकार से ये अंग्रेज जो लोग थे ये ठीक है ना हमारे भारत देश के बारे में समझ रहे थे चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अलबरूनी के बारे में तो अलबरूनी के अलावा कुछ और भी थे अब यार देखो यार फर्स्ट रैंक वालों को याद रखा जाता है ठीक है ना ये सेकंड रैंक थर्ड रैंक फोर्थ रैंक इसको कोई भी याद नहीं रखता है बिलादुरी सुलेमान निजाम फरिश्ता निजामुद्दीन ये भी भारत देश में आए थे लेकिन इनके बारे में इतना जानकारी नहीं मिलती इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है लेकिन इब्न बतूता ये आदमी बेस्ट है इस आदमी के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ठीक है ना देखो क्लास पूरी कीजिए तभी मज़ा आएगा क्लास पूरी नहीं करोगे आधी अधूरी क्लास करोगे तो मज़ा नहीं आएगा ठीक है ना मैं यही बोल रहा हूँ कि जो साथ में हैं मेरे लास्ट तक साथ में रहें तो ही फ़ायदा मिलेगा वरना एक लेक्चर देखकर कुछ नहीं होगा क्लियर है ना यहाँ से वहां भागो वहां से यहाँ भागो हाँ अगर कोई क्लास क्रैश होती है आपकी जैसे मेरी क्लास चल रही है किसी और की भी क्लास चल रही है आपको उसकी क्लास लेनी है तो एक काम कीजिए ना मेरी क्लास छोड़ दीजिए अगर आपको लगता है तो है ना बाद में आप देख लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें दिक्कत क्या है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना ओके चलिए तो ऐसा आप कर सकते हैं इब्न बतूता के बारे में बात करते हैं इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला है कौन सा रेहला जो अरबी भाषा में लिखित है ये रहला जो है ना बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका समझ में आया रहला 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 किसका है इब्न बतूता इसे यात्रियों का राजा बोलते हैं ये बहुत सारे देश घूमा है ये जब उस समय पर ट्रेन नहीं थी एरोप्लेन नहीं था तब ये मोरक्को शहर से होता हुआ अफ्रीका होता हुआ मध्य एशिया होता हुआ अ, उत्तर दक्षिण पूर्वी देश होता हुआ चाइना भारत यानी कहाँ घूमा है इसको बड़ा एक्सपीरियंस था भा, भाई बंदे को इब्न बतूता को ठीक है ना तो इसकी एक पुस्तक है रहला और ये रहला जो है हमारे भारत देश के बारे में बहुत ही विशेष रूप से जानकारी प्रदान करती है ठीक है ना तो ये अरबी भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है अरबी भाषा में रहला ठीक है यहाँ चौदहवीं शताब्दी में भारतीय उपमादी के समय सामाजिक अच्छा आप मुझे बताओ ये जो इब्न बतूता आया था उस समय पर हमारे भारत देश में राज कौन कर रहा था जिस समय पर हमारे भारत देश में हमारे भारत देश में उस समय पर राज कौन कर रहा था हाँ आग लगानी है भाई सात सौ बहत्तर लाइक हो चुके हैं मैं चाहता हूं सेशन में वन के होना मजा आना चाहिए और कुछ मेरे से प्यार करने वाले लोग भी हैं जो आठ डिसलाइक कर चुके हैं क्या फर्क पड़ता है ठीक है ठीक चलिए मेरी बात सुनिए टारगेट पूरा करते हैं देखते हैं क्या चलिए अभी अपने पास टाइम कितना है अभी अपने पास टाइम कितना बचा हुआ है आधा घंटा और है आधे घंटे में तो हम लोग पढ़ लेंगे बहुत सारी चीजें देखिए अब इसके बाद आपने सबने बताया ना मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था ये मोहम्मद बिन तुगलक लेकिन क्या करें यार समय के साथ चलना बहुत जरूरी है मोहम्मद बिन तुगलक आज के समय में अगर होता तो बहुत बढ़िया काम करता लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय से बहुत ही आगे था उस समय जनता ना उस समय जनता भी इतनी जागरूक नहीं थी और ना ही प्रशासन के अधिकारी और ना ही नीत, इसकी नीतियों के लिए है ना सही समय था इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है क्या हुआ बर्बाद हो गया है ना और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को सर, आ, सही करने के लिए उसका जो उत्तराधिकारी आता है फिरोज शाह तुगलक वो सही काम करता है है ना वो सब कुछ सेटलमेंट कर देता है धीरे धीरे उसको विरासत में मुसीबतें मिलती हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इन लोगों ने काम किया था तो भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था और हमारे भारत देश में यानी कि दिल्ली में ये काजी के पद पर नियुक्त किया गया था किसके पद पर काजी के पद पर इसको नियुक्त किया गया था ठीक है ये तो बात हो गई बाद में उसने अपना राजदूत बनाकर इसे कहां भेजा चीन में भेजा कहां भेजा इसने इसको भेजा चीन में ये पीला पीला आपको दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा ये भी नहीं दिख रहा है थोड़ा लेना पड़ेगा ये सही है मेरे चलिए आगे हम लोग बात करते हैं देखो मेरी बात सुनिए अब अपने सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं देखो फिर से रिवाइज करवाता हूं आपको मैं सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको इतिहास क्या होता है वर्तमान समय में अतीत का अध्ययन हम लोग इतिहास कहते हैं इतिहास को हम लोग क्यों पढ़ते हैं कि आज के समय में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं का उन घटनाओं को आ, मतलब उस समस्याओं को सुलझाने के लिए सॉल्व करने के लिए अतीत की घटनाओं से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं तो एक आई ऑफिसर भी अतीत की घटनाओं से बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है हमारे पास जिंदगी बहुत कम है और आज कल तो कोरोना वायरस ये वायरस वो वायरस पता नहीं कितना साल जियेंगे ये भी पता नहीं है तो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो ज़िंदगी बहुत छोटी है कि तो भैया पहले आप गलती करो फिर उसके बाद सीखो इसलिए इतिहास से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो हम लोगों ने इतिहास के महत्व के बारे में समझा इसके बाद हम लोगों ने समझा कि इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं तो इतिहास के स्रोत में हम लोगों ने बात की सबसे पहले <coughs> जिसमें कि हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत की बात की थी साहित्यिक स्रोत में हम लोगों ने ब्राह्मण धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म इसके अलावा हम लोगों ने विदेशी विवरण इसमें कि हम लोगों ने मेगास्थनीज इत सिंह वैनसांग इसकी बात की और गैर धार्मिक में हम लोगों ने चाणक्य का कौटल चाणक्य का वो अर्थशास्त्र मुद्रा राक्षस ये सभी चीजें पढ़ी हम लोगों ने आ, सभी चीज़ें हो गई हैं हमारी अब ध्यान रखना यहाँ से आपका स्टार्ट होता है इतिहास असली स्टार्ट होता है इतिहास अभी अब देखो अब जो भी बच्चा जिसने लेक्चर नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं देखो प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास चार्ट हम लोग बात करें सबसे पहले क्या आता है प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल की बात करेंगे सबसे पहले किसकी बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की बात उसके बाद हम लोग बात करेंगे आद ऐतिहासिक काल और इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिक काल तो प्राग ऐतिहासिक काल में कौन कौन से कार्य हुए थे क्या लक्षण थे क्या विशेषताएं थी आद ऐतिहासिक काल में क्या चीजें हुई थी और ऐतिहासिक काल में क्या विशेषताएं क्या क्या प्रगति हुई थी देखो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल देखो प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं है यानी कि उस समय पर लिपि का विकास नहीं हुआ था उस समय पर लिपि का विकास नहीं हुआ था ध्यान रखना और उस समय के इतिहास को समझने के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्य पर ही डिपेंड रहना पड़ता है अच्छा अब आप बोलोगे सर पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं कभी बोलना मत पुरातात्विक साक्ष्य को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया बहुत ही डिटेल में पढ़ाया मैंने पुरातात्विक साक्ष्य को भूलना बिल्कुल भी मत एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं पाषाण काल पाषाण काल को भी हम लोगों ने कई भागों में डिवाइड किया एक तो पाषाण काल इसकी अवधि ध्यान रखना दस हजार ईसा पूर्व इसके बाद मध्य पाषाण काल दस हजार से पांच हजार सौ ईसा पूर्व इसके बाद नव पाषाण काल ध्यान रखना प्राग ऐतिहासिक काल प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोगों ने तीन भागों में डिवाइड किया पुरापाषण काल काल और नवपाषण काल इसके बाद पुरापाषण को भी हम लोगों ने तीन भागों में उसके बाद उच्च पुरापाषण काल ये है आपका आप देख सकते हैं एक लाख ईसा पूर्व प्रारंभ से लेकर एक लाख ईसा पूर्व मध्य पुरापाषण काल ये है आपका एक लाख से चालीस हजार और चालीस हजार से दस हजार ठीक है आपका इसके बाद तो आप जानते हैं क्लियर है तो ये सभी चीजें हैं ये चार्ट हमेशा ध्यान में रखना हम लोग धीरे धीरे जो है इन्हीं सभी को समझने का प्रयास करेंगे इस समय पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी अब हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे उसके बाद आद ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे इसके बाद ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे इस समय पर कौन कौन सी घटनाएं हुई थी ये चार्ट दिमाग में रहेगा ना चार्ट दिमाग में रहेगा ना जूम कर दीजिए अरे चिंता मत कीजिए मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चार्ट को मैं पढ़ाऊंगा आपको मैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ ठीक है ना चिंता मत कीजिए मैं पढ़ाऊंगा ना इसको अरे एक बार रि रि रिजोल्यूशन भी आप बढ़ा दिया करो रेजोल्यूशन खुद के उसका बढ़ा लिया करो यार कुछ जाएगा नहीं वैसे मेरे हिसाब से सही दिख रहा होगा देख लो देख लो ये है प्राग ऐतिहासिक काल फिर हम लोग आध ऐतिहासिक काल की बात करेंगे फिर ऐतिहासिक काल की बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य कोई नहीं मिलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं आदि ऐतिहासिक काल इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं हमें है ना और इसमें लिपि भी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है हम लोग बात कर रहे हैं सैनभ सभ्यता और वैदिक सभ्यता की तो भैया लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है किसकी सिंधु घाटी सभ्यता की अगर लिपि हम लोग पढ़ लेते तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें और अच्छी जानकारी मिल जाती फिर इसके बाद ऐतिहासिक काल इसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों मिले अब आप मुझसे ये मत बोलना कि सर पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक सा, साक्ष्य होते क्या है मैं सभी चीजें आपको बता चुका हूँ क्लियर है फिर इसके बाद हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल को भागों में बांटा पुरापाषाण मध्य पाषाण और ये आपका नवपाषाण इसके बाद निम्न पुरापाषाण मध्य पाषाण इन्हीं को तो हम लोग पढ़ेंगे ये अपना कोड है भाई साहब कोड को हमेशा ध्यान रखना बी एस लाइव ठीक है ना जब भी आप अन अकेडमी पर किसी भी कोड को डालें जब भी कोड आपसे मांगे तो भैया बी एस लाइव कोड का यूज कर सकते हैं दस परसेंट का डिस्काउंट भी मिलेगा आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं बी एस लाइव बी एस लाइव बी फोर भूपेंद्र एस फोर सिंह एल आई बी लाइव टेलीग्राम ग्रुप जो है एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिख दें जिससे नए बच्चे उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकें आंसर राइटिंग का ग्रुप है वो भी सेंड कर दें कमेंट बॉक्स में जिससे कि बच्चे उसको ज्वाइन कर लें लिंक सेंड करना है आपको है ना सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण युग आता है पाषाण युग बड़ा मजा आएगा आपको, आपको समझ में आएगा कि हमारी आज ये सभ्यता है इसका विकास किस प्रकार से हुआ था है ना? बिल्कुल आपको जीरो लेवल से उठाकर ले जाऊंगा मैं आपको नहीं एक काम करो टेलीग्राम की लिंक सेंड कर दिया करो आप है ना उससे क्या होगा बच्चे क्लिक करेंगे और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे क्लियर है लिंक आप सेंड कर दिया करो ये काम अच्छा रहेगा आपके लिए ओके चलिए हम लोग बात करते हैं पुरा पाषाण युग की हम लोग बात करते हैं पाषाण युग में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देखो पाषाण युग को तीन भागों में डिवाइड किया गया था एक है आपका पाषाण काल फिर है आपका मध्य पाषाण काल और फिर है आपका पाषाण काल जैसा कि मैंने आपको किस में बताया था जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी चार्ट में ओके पुरापाषाण संस्कृति का उदय अभिनूतन युग में हुआ था ठीक है ये कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और आगे हम लोग पढ़ेंगे जो मैंने चार्ट मैंने आपको बताया था ना वही अब देखो इस समय पर हुआ क्या था पाषाण काल में हुआ क्या था इस समय पर धरती जो है बर्फ से ढकी हुई थी अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि धरती अगर बर्फ से ढकी होगी तो भैया जीवन संभव हो पाएगा बताओ यस और नो और लाइक वन के टारगेट है करते जाना जो भी नए स्टूडेंट आते जा रहे हैं ठीक है ना जो भी नए स्टूडेंट आते जा रहे हैं और भूपेंद्र सिंह दिनकर जो चैनल है अपना वहां पर करंट अफेयर्स की क्लासेस भी होती हैं वहां पर आप देख सकते हैं ठीक है ना भारतीय पुरापाषण काल को ये ऊ मानव क्या है ऊ को हटा देना सेंटेंस नहीं बन पा रहा है देखो भारतीय पुरापाषण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजार के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर हम लोग तीन अवस्थाओं में बांटते हैं कितनी अवस्था में तीन अवस्था में हम लोग बांटते हैं पत्थरों के औजारों के स्वरूप किस प्रकार के पत्थर थे नुकीले पत्थर थे या फिर भारी पत्थर थे किस प्रकार से शिकार करते थे जलवायु किस प्रकार की थी इन सभी चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ठीक है इसको हम लोग तीन अवस्थाओं में बांटते हैं अवस्थाएं हम लोगों ने बांटी हैं किस तरीके से तो वो हम लोगों ने बांटी हैं भाई साहब देखो सबसे पहले है भी भी प्रारंभ से लेकर एक लाख ईसा पूर्व दूसरा है आपका मध्य पुरापाषाण काल ये है आपका एक लाख से चालीस हजार ईसा पूर्व और तीसरा है आपका उच्च पुरापाषाण काल ये कब से कब तक है चालीस हजार ईसा पूर्व से दस हजार ईसा पूर्व ठीक है ये सभी चीजें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है ध्यान रखना मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करवा रहा हूं फिर देखना हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना तब तो आपको मजा आएगा अच्छी तरीके से ओके चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें प्राग ऐतिहासिक काल की क्यों प्राग ऐतिहासिक काल की हम लोग बात कर लें चलिए प्राग ऐतिहासिक काल की हम लोग बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में पुरापाषाण काल की हम लोग बात करते हैं पुरापाषाण काल में हम लोग दो चीज की बात करेंगे एक तो होगा आपका निम्न आपका निम्न पुरापाषण काल और दूसरा होगा आपका मध्य पाषण काल तो सबसे पहले हम लोग पुरापाषण काल में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे कौन सा निम्न और मध्य ठीक है ओ, निम्न, और उच्च ठीक है पुरापाषाण काल की हम लोग बात करते हैं देखो पुरापाषाण काल के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं तो अवशेष हमें सोहन नदी ये सोहन नदी घाटी कौन सी है सोहन को कहीं सोन तो नहीं बोल रहे बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में फिर इसके बाद बेलन नदी घाटी बेलन नदी घाटी को क्या बोलते हैं बताओ आज के समय में नर्मदा नदी घाटी ये तो आप जानते हैं और पहली बार मानव के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं ना वो नर्मदा घाटी से ही देखने को मिले इसके अलावा भोपाल के पास भीम बेटिका अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि भाई साहब भीम बेटिका कहाँ पर है भोपाल तो जानते हैं मध्य प्रदेश में है ये कहां पर है एमपी में भीम बेटिका यहाँ पर शैल चित्र बनाए गए हैं ये देखो ये आदमी आपको दिख रहा है किस प्रकार से यह आदमी जो है पत्थर पर क्या बना रहा है पत्थर पर बना रहा है ना यह चित्र ठीक है देखो भीम बेटिक नामक शैलाश्रयों से प्राप्त हुआ है क्या पुरा काल तो ये आप ध्यान रखना हमेशा तो यहां से हमें पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं कहां से सोहन नदी से बेलन नदी घाटी से नर्मदा नदी घाटी से और भीम बेटिका नामक नेक्स्ट पूर्व पाषाण काल या पुरा पाषाण काल को उपकरणों से उपकरणों में भिन्नता के आधार पर हम लोग तीन काल में विभाजित करते हैं कौन कौन से हैं अभी चार्ट में मैंने आपको बताया था याद करो फिर से निम्न पुरा पाषाण काल दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा कौन सा है उच्च पुरा पाषाण काल ये आपको कोड दिख रहा है ना ये कोड कभी भूलना नहीं है बी फोर भूपेंद्र एस फोर सिंह एल आई वीई लाइव ठीक है कमेंट बॉक्स में एक बार जो है टेलीग्राम ग्रुप आंसर राइटिंग ग्रुप सेंड कर दीजिए जिससे बच्चे ज्वाइन कर लें क्लियर है ना <coughs> तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लें कि निम्न पुरा, निम्न पुरा पाषाण काल में कौन कौन सी विशेषताएं थी कितनी प्रगति हो चुकी थी क्या इंसान जो है खाना बना पा रहा था या फिर नहीं बना पा रहा था या फिर शिकारी जीवन जी रहा था या फिर आग का आविष्कार हुआ था या फिर नहीं हुआ था इन सभी चीजों को समझना बहुत जरूरी है तो हम लोग बात करते हैं निम्न पाषाण काल निम्न पाषाण काल में आप ध्यान रखना निम्न पाषाण काल में निम्न पाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं तो निम्न पाषाण काल के साक्ष्य हमें सोहन नदी से प्राप्त हुए हैं ये सोहन नदी जो है ये सिंधु की सहायक नदी है किसकी सहायक नदी है परी बहुत बहुत बढ़िया पीएम बहुत बहुत बढ़िया आप सभी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं है ना आप सभी बच्चों का सपोर्ट कीजिए सोहन नदी सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी है मैंने आपसे पूछा था कि ये सोहन नदी कहाँ पर है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं कन्फ्यूजन में हो गए बहुत किसी ने दिया ही नहीं था सही आंसर मेरे हिसाब से ओके okay, इसी कारण इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी हम लोग जानते हैं क्यों क्योंकि सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी थी इसके अलावा यहाँ पर किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं टेबुल चॉपर और चॉपिंग उपकरणों के हमें साक्ष्य मिलते हैं तो इसके माध्यम से ये छीलते काटते थे जो भी आपका शिकार विकार करते होंगे ये लोग इसके बाद पैबुल पत्थर के वे उपकरण होते थे जो पानी बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाया करते थे गोल गोल पत्थर आपने देखे होंगे ना कभी कभी आप नदी में जाते हो तो गोल गोल पत्थर आपको देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में आप गए होंगे हिमाचल में आप गए होंगे तराई वाले रीजन में गए होंगे तो आपने देखा होगा ना इस प्रकार के आपको पत्थर देखने को मिलते हैं है ना तो ये सभी चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए ये लोग जो है शिकार विकार और अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे इसके बाद हम लोग बात करते हैं निम्न काल निम्न पुरापा का वही तो चल रहा है ना वही तो चल रहा है हाँ। चौपर, बड़े आकार के उपकरण से बनाए जाते थे ये चॉपिंग जो होते थे ये वो होते थे उपकरण और पैबुल ऊपर दोनों किनारों के, के को छील उनमें धार मतलब कुल मिलाकर जो है अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए शिकार करने के लिए है ना पत्थरों से ये उपकरण बनाते थे अब भाई साहब निम्न पुरापाषण काल में तो फिलहाल इतना ही विकास हो पाया था पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे आग लगाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे ठीक है इसके अलावा ये लोग जो हैं किसके लिए ये लोग जो हैं उसके लिए यार शिकार करने के लिए भी पत्थरों का यूज़ कर रहे हैं अब देखना मध्य मध्य पुरापाषण काल में क्या प्रगति होगी मध्य पुरापाषण काल में क्या प्रगति होगी देखना सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन लोगों ने अपने उपकरण को थोड़ा सा आधुनिक बना लिया इसमें बहुसंख्यक कोर अब बहुसंख्यक कोर से क्या है शिकार करना आसान हो गया इसके अलावा फ्लैक और ब्लेड ये सभी जो है उपकरण इन्होंने विकसित कर लिए अब छीलना चीरना शिकार को काफी आसान हो चुका था इसके अलावा यहाँ पर क्या है फलकों की अधिकता बहुत ज़्यादा थी इसलिए मध्य पूर्वापाषण काल को हम लोग फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं और इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे मैंने आपसे कहा था ना कि ऑब्वियसली सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे, वैसे ये जो उपकरण है, है ना वो भी अच्छे बनते जाएंगे ना तो भैया औजारों के निर्माण में ये ले ये लोग क्वारजाइड पत्थरों का उपयोग करने लगे जो काफी नुकीले और काफी अच्छे हुआ करते थे इसके बाद हम लोग बात करते हैं और क्या हुआ देखो उपकरण की हम लोग बात करते हैं कि कहाँ से कहाँ से प्राप्त हुए उपकरण तो ये भैया कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं महाराष्ट्र में नेवासा है झारखंड में एक सिंह भूमि है उत्तर प्रदेश में चकिया है और बैलन घाटी ये है आपका इलाहाबाद में है मैंने आपसे कहा भी था बैलन घाटी कहा था ना मैंने आपसे ये कहाँ पर है मैंने आपसे पूछा भी था तो ध्यान रखना है इलाहाबाद में है मध्य प्रदेश का भीम बेटिका है भीम बेटिका की गुफाएं जो हैं उसमें शैल चित्र देखने को मिले हैं पत्थरों से उत्कीर्णित करके बनाए गए चित्र हैं और उस समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है ठीक है इसके अलावा गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में हिमाचल में व्यास वैनगंगा वानगंगा और सिरसा घाटियों आदि में ये सभी स्थल प्राप्त हुए हैं ये हम लोगों ने बात कर ली किसके बारे में ये हम लोगों ने बात कर ली है मध्य पाषाण काल के बारे ना इसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल आपका पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग नवपाषाण काल पढ़ेंगे ठीक है हमारा दस बजे का टारगेट पूरा हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल की हम लोग बात करते थे करते हैं तो इंसान ने कितनी प्रगति कर ली थी तो देखो इस काल का प्रमुख पाषाण उपकरण ब्लेड था ब्लेड ठीक है ना ये आपको दिख रहा है ना कुछ पत्थरों को काट कर नुकीला बना लिया इन लोगों ने अब आसान हो गया आसान हो गया क्या करना शिकार करना फलक का निर्माण कर लिया इन लोगों ने ठीक है ना और आप समझ सकते हैं इससे आसान हो गया काम करना अब आप समझिए कि इसके साक्ष्य कहाँ कहां से मिलते हैं तो भैया आपने सोन घाटी सुनी होगी ये सोन घाटी कहाँ पर है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की सोन घाटी सिंहभूमि झारखंड जोगदहा भीम बेटिका बाघेलाना भागोर पटने बदने इनाम गांव रैनी गुंडा याद नहीं करना है याद नहीं करना है ठीक है ना याद नहीं करना है याद नहीं करना है ये सभी चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है यहां पर हमारा जो है मध्य पाषाण काल जो है सॉरी अब कल हम लोग मध्य पाषाण काल से स्टार्ट करें किससे स्टार्ट करेंगे मध्य पाषाण काल है ना प्राग ऐतिहासिक काल आपका खत्म हो चुका है प्राग ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल आपका खत्म हो चुका है और हमें जो है मध्य पाषाण काल पढ़ना है ये अपना कोड है बी एस लाइव मैं आपको ग्रुप में मैं आपको ग्रुप में आज क्वेश्चन दूंगा कल मैं क्वेश्चन यहाँ पर चेक करूंगा जो भी सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देगा उसी का मैं आंसर चेक करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी लोग जो हैं एक बार लिंक दे दें जिससे नए बच्चे जुड़े जाएँ वो भी आंसर राइटिंग कर लें और आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आपको वहीं वही पर वहीं पर जाकर मिलेगा ग्रुप में जाके और पी इस लेक्चर की पी भी आपको वहीं मिलेगी है ना मैं अपने ग्रुप पर डाल दूंगा मेरे ही नाम से है भूपेंद्र सिंह दिनकर और ये है आपका ये है आपका कोड इस कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और जितने भी बच्चे हैं जो भी सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो आप इनका यूज़ करते हुए जो है वो पढ़ सकते हैं है ना ये देखो अनकेडमी आइकॉनिक है प्लस है फोर इन वन ऑफर अब तो आपको यहाँ पर जो है दस हज़ार रुपये का नोट्स भी मिलना स्टार्ट हो गए हैं कोड ध्यान रखना बी एस लाइव कोड बी एस लाइव कोड का यूज़ करोगे तो डायरेक्टली आप मेरी गाइडेंस में मेंोगे ठीक है ना आप चाहो किसी का भी यूज कर सकते हो कोड का कोई फर्क नहीं पड़ता है अब आपके कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी आपके सवाल जवाब हो एक बार हम लोग देख लेते हैं आपके कोई भी सवाल जवाब हो एक बार मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में जिससे कि अब आपसे थोड़ा सा बात कर ली जाए जिसको जाना है वो जाए है ना मैं अभी आपको लिंक दे दो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दो यार मैं आपसे बता रहा हूँ सर कॉपी नहीं चेक कीजिएगा आज कॉपी चेक नहीं करूँगा क्योंकि कल मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया था ठीक है सर वो नोट्स हमें भी प्रोवाइड करवा दीजिए कौन से नोट्स वो नोट्स अच्छा वो नोट्स तो अब जो एडमिशन लेंगे ना उनके लिए होंगे वो नोट्स सबके लिए नहीं होंगे सर एंशियंट के लिए आर एस शर्मा इनफ है हाँ इनफ है यार क्लास समय छः से नौ रखो अभी देख लूंगा अभी स्टार्टिंग की है हम लोगों ने चेंज भी कर सकते हैं हम लोग कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए सर क्वेश्चन दिया था सर कल मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था करेंट अफेयर्स वाले सर ने क्वेश्चन दिया होगा उनका क्वेश्चन वही चेक करेंगे कृषि मैं दिलवा दूँगा मैं बात कर लूँगा ठीक है ना चिंता मत कीजिए एडमिशन के की बिना नहीं होगा क्या एडमिशन के बिना भी सारी चीज़ें हो जाएंगी बस कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है ना चीज़ों को साथ में वहाँ पर आपको बहुत फैसिलिटीज़ मिलेंगी जैसे कि आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है वहां पर फुल सिलेबस होता है सर नहीं सर सही अच्छा सर सही है ये पीएम ने टेलीग्राम ग्रुप बता दिया है आंसर राइटिंग का ग्रुप भी है और मेरे मेरा खुद का ग्रुप भी है भूपेंद्र सिंह दिनकर तो यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप और क्या क्या पढ़ाते हो अन अकेडमी भूपेंद्र सिंह सर्च करना यूट्यूब पर आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे मेरे सर्च करना भूपेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह अन अकेडमी के नाम से आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरी मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा ठीक है ना किसी को कोई और दिक्कत है सात से दस ए एम सही है अभी मैं डिसाइड कर लूंगा सात से दस करना है या फिर दस से सात करना है या फिर छह से नौ करना है आप लोग आओगे तो ही तो फर्क पड़ेगा ना उसका और जाते जाते जो है भाई लाइक शेयर कमेंट भी करते जाइए भाई एक मिनट देख लेते हैं कितना पहुंच गया अपना टारगेट आज आग लगानी थी मेरे को आग लग नहीं पाई यार अपने कम पड़ गए कितने कम पड़ गए समथिंग समथिंग एक सौ तीस कम पड़ गए छः से नौ करो सर जी छः से नौ कर दूंगा यार आप लोग आओगे ना मैं तो पाँच से छः मैं सुबह तीन बजे कर दूंगा आओ तो सही <laughs> सर मुगल भारत में कब आए थे बेटा जब मुगल हम लोग पढ़ेंगे ना जब मेडियबल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा मुगल भारत में कब आए थे अभी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पर चल रहे हैं ना अभी एंशियंट हिस्ट्री पर बात चलिए ठीक है ये ग्यारह लोग जो है ना ये बहुत प्यार करते हैं मुझसे है आपको सर फर्स्ट डे था मेरा बहुत अच्छा लगा हाँ बहुत अच्छा लगेगा और मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री एनशियट मीडियबल सब कुछ पढ़ी हुई है ये कंटेंट आपका नया है है ना आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ और आगे मैं पढ़ाऊँगा पुराना नहीं है आज आ, आ, आज का नया है है ना कितने दिन में एंड होगा अरे यार एंड मतलब वही वाली बात हुई ना एक घंटे में एंशियट हिस्ट्री करवा दो एक घंटे में वर्ल्ड हिस्ट्री करवा दो वही लेक्चर आपको पसंद आते हैं एक घंटे में ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी यार मुझे टाइम लगता है भाई मुझे कॉन्फिडेंस तभी आता है और कॉन्फिडेंस के साथ तभी कह सकता हूँ मैं जब 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 सलेबस मैं आपका पूरा करवा दूँ अच्छी तरीके से वरना एक घंटे करवाने वाले यूट्यूब पर हज़ारों पड़े हुए हैं है ना और हज़ारों मतलब लाखों में उनकी वो पड़ी हुई है ओके आपके लास्ट ईयर वाले सत्रह लेक्चर से डिफरेंट होंगे अरे डिफरेंट हैं पढ़े होंगे तो आपको लगी दिख ही रहा होगा पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं पढ़े हैं तो ऑब्वियसली दिख रहा होगा ना आपको कि लास्ट वाले सत्रह लेक्चर से अलग ही ये लेक्चर ज़मीन आसमान का अंतर है नहीं पहले वाली क्लास अलग थी पहले वाली क्लास अलग थी मॉडर्न भी पढ़ाऊंगा ना मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक दिन मैं आप तीन दिन मैं आपको एंशियंट पढ़ाऊंगा तीन दिन मैं आपको मेडियबल पढ़ाऊंगा तीन दिन आपको मॉडर्न पढ़ाऊंगा इसके बाद मैं वर्ड जोग्राफी स्टार्ट करूँगा फिर से <coughs> टेलेग्राम लैपटॉप में कैसे सर आप प्लस पर कब पढ़ाएंगे जब प्लस पर प्लस पर थे तब तो आप आए नहीं ये चार महीने से हम लोग कहाँ पर थे प्लस पे ही थे ना हम चार महीने से प्लस पर अनकेडमी है पर ही तो पढ़ा रहे थे हम लोग चार महीने पे तब तो तुम आए नहीं जब मैं यूट्यूब पर आ गया तो आप बोल रहे सर प्लस पे कब जाओगे जब प्लस पे आऊँगा तो वो लोग यूट्यूब पे कब जाओगे यूट्यूब प्लस यूट्यूब प्लस यही चलता रहता है क्या करें सर टी जी टी की हिस्ट्री नहीं पढ़ाओगे यार सब कुछ हिस्ट्री तो वही है यार हिस्ट्री चेंज थोड़ी होगी टी जी टी के लिए अलग से थोड़ी चेंज होगी या फिर यू पी एस सी के लिए या फिर स्टेट पी सी एस के लिए सबके लिए तो वही रहेगी ना आदरणीय गुरुजी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो यार क्या परीक्षा लेते हो आप मेरी कि सर को पता है या फिर नहीं है हा? ऐसे नहीं पूछता है यार वो जबरदस्ती मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य कोई वो थोड़ी था भगवान बुद्ध थोड़ी थे वो जैसे भगवान बुद्ध हैं उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी है क्या नाम से जन्म कहाँ पर हुआ था ऐसे तो राजवंश में तो बहुत सारे लोग हैं किस किस का याद रखोगे आप हुँ? सर ये सीरीज पूरी तो हो गई सीरीज तो पूरी होगी लेकिन आप पूरे तरीके से याद रखोगे और कंटिन्यू रहोगे या फिर नहीं मैं जो भी चीज़ करवाता हूँ पूरी करवाता हूँ अभी तक जो भी चीज़ करवाई है पूरी ही करवाई है मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया वो बात अलग है कल आधुनिक भारत कल नहीं तीन दिन तीन दिन मैं कंटिन्यू एंशियंट चलाऊंगा तीन दिन फिर मीडिएबल और तीन दिन आधुनिक है ना ऐसे नहीं कर सकता मैं आपका एस एस सी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एस एस सी में ऐसे क्वेश्चन अरे मैंने जो आपको पॉइंटर करवाया था भूपेंद्र सिंह दिनकर पर तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे है ना तो आप ये पढ़ लो अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ लो और आपको वो चीज़ पढ़नी है तो मेरे हिसाब से ये पढ़ने के बाद और वो पढ़ने के बाद दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं आपसे बस ये है कि आप भाई आप दिल याद तो कर लो उन सब चीज़ों को क्लास कितने घंटे चलेगी क्लास आपकी तीन तीन घंटे चलेगी है ना ये इस मंथ में तीन घंटे क्लास चलेगी आपकी ये तो है टाइमिंग सही है आपका हाँ वो तो आ, सर मैथ का लिया मैं पढ़ने का लिया जो क्या बोलते हो यार चलो ठीक है आप हाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो है पीडीएफ मिलेगी एक बार लिंक सेंड कर दें दोनों ग्रुप की क्वेश्चन अभी जस्ट आपको मैं दे दूंगा आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल फिर से मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद